मेरा नाम है अवतार। बस बस, यहाँ पर तुम सब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स बनने आए हो ना? यस सर। तुम में से कोई बता सकता है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का काम क्या होता है? मौके वारदात पर जाकर रिपोर्ट लाना, उड़ती हुई न्यूज को पकड़ लेना और आगे बढ़कर उसे पेश करना। अगर वहाँ कोई न्यूज आइटम ना मिले तो खुद बना लेना। एक नई फिल्म लगी है, देखने चलोगी? मेरी सगाई हो गई है इडियट। मतलब तुम्हारी आजादी का आखिरी दिन है, एंजॉय कर लो। तलवार का सामना करना पड़े तो भी पीछे ना हटना। इसे कहते हैं हिम्मत। तू सिलेक्ट, बाकी सब रिजेक्ट। राजा, अपनी डिटेल्स तो बता। क्लोज फ्रेंड्स मुन्ना कहते हैं, पापा मुझे निकम्मा कहते हैं और सुबह शाम ताने देते हैं। घोर कलयुग आ गया है, ये नालायक तक पास हो गया है। बेटा, तुझे इनके ताने अच्छे लगते हैं? घर से बाहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढता? आइडिया क्या है? ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी नौकरी हो, वो हमारे घर का ख्याल रख लेगी। सपने मत देख, कोई बेवकूफ लड़की होगी जो तुझ जैसे बेरोजगार से शादी करेगी। उससे भी बड़ी बात, कोई गधाई होगा जो तुझे नौकरी देगा। ओके, कुरुक्षेत्र में अर्जुन रथ पर चढ़े उससे पहले श्री कृष्ण ने क्या कहा था? क्या कहा होगा? जल्दी से रथ पर चढ़ जा, यही कहा होगा। हाँ सर, अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा था ये पता है आपको? उसने भी कुछ कहा था क्या? हे मित्र, घोड़ों को पकड़ना, मुझे रथ पर चढ़ना, यही कहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे अर्जुन तुम्हारा चचेरा भाई हो। क्या सर, मेरी टांग खींच रहे हैं आप। सचमुच ये नौकरी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स सर। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए? बिल्कुल नहीं। किसी लड़की को पटाने जाओ तो पहले नौकरी के बारे में पूछती है, उसे जवाब दे सकूं इसीलिए अप्लाई किया। सच बताओ, तुम स्कूल भी गए हो? कल ही डिग्री पास की है सर। नकल मार के? सिर्फ एक सब्जेक्ट में। इतना चलता है? बाकी चार पेपर दोस्तों से लिखवाए हैं। राजा, लाइफ के लिए कोई गोल सोचा है तूने? बिल्कुल सोचा है। बताएगा भी? बचपन में पापा ने पीठ पर जलती लकड़ी चिपकाई। किस खुशी में? कुछ तो बेवकूफी की होगी मैंने। समझ गया, तेरी लाइफ का एम ही है एमलेस रहना। सही कहा ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरी लाइफ का एम है पापा की पीठ को जलाकर अपमान का बदला लेना। इतनी देर से एक भी अकल वाली बात नहीं कि तुझे नौकरी पर कैसे रखूं? आपके काम के लिए आपको पागल चाहिए ना? इस बार तू सही है, आजा। सर, तुम्हें यह नौकरी पक्की समझू? ऐसा ही समझ। पर पहले मेरा एक असाइनमेंट करना। हुकुम कीजिए सर। मिनिस्टर दिलेश्वर राव का नाम सुना है? दिलेश्वर राव जिंदाबाद, दिलेश्वर राव जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा दिलेश्वर तेरा नाम रहेगा। दिलेश्वर राव जिंदाबाद, दिलेश्वर राव जिंदाबाद। इस दिलेश्वर राव ने दिल्ली में बैठे मिनिस्टरों को एक थर्मल प्रोजेक्ट पास कराने के लिए घूस दी। फ्री में 500 एकड़ जमीन देने की बात कह के वो लोगों के लिए मसीहा बन गया। कौड़ियों के दाम उसने गरीब किसानों से 3000 एकड़ जमीन हड़प ली और वो वहाँ के गरीबों को बिजली और नौकरी देने का झांसा दे रहा है। जबकि सच बात यह है कि उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 51% शेयर होल्डिंग दिलेश्वर राव के पास है। प्रोजेक्ट शुरू होते ही इन्हीं गरीबों को पावर बेचकर वो करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाला है। अंकल, दिलेश्वर, यहाँ के 10 गांव आपके कंट्रोल में है। इस थर्मल प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन चाहिए। तू उनकी चिंता मत कर, तू बस मेरा ख्याल रख। वो मुझे भगवान मानते हैं। एक आवाज दूंगा तो सारे के सारे जमीन का कागजात मेरे पैरों में ला के रख देंगे। तू पैसों इतनी जल्दी भी क्या थी? एक नंबर का लालची था भुखार। ये सारा खाना बर्बाद कर दिया ना है? देख, मेरी फेवरेट फिश करी थी, खून लगने के बाद कैसे खाऊंगा? उसके फार्म हाउस के बगीचे से उतने फल नहीं निकलते जितनी लाशें वहाँ से निकलती हैं। कल वहाँ सीक्रेट मीटिंग है, उसके साथ मिले सारे बिजनेसमैन कल वहाँ होंगे। तुम उसके फार्म हाउस जाओ, मीटिंग का वीडियो बनाओ और उस एविडेंस को मेरे पास लेकर आओ, फिर तुम्हारी नौकरी पक्की। ओके सर। हाँ, उन्हें एक अलग कनेक्शन दे दो, मैं शाम को चेक करता हूँ। ए, क्या काम है? एसी का कंप्लेन आया था, रिपेयर करने आया है। नहीं करने का तो जाता हूँ। ए दास, इसे जाने दे। जा। ए, किधर घुस रहा है? सर ने एसी सर्विसिंग करवाने के लिए फोन किया था। किसने भेजा है? दास सर। ठीक, आ जा। पॉलिटिशियंस का मन खुद भगवान भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, वो तो है। हालांकि ये बात औरतों के लिए भी कही जाती है। मैंने भी सुना ये वाला इसी। घर में सीडी होगा क्या? लाता हूँ। <हूं। laughs>
हमारे देश में भगवान के बाद कोई पूजनीय है तो वो है पैसा। अरे आइए आइए, ये है मिराएला कुमार। आप इन्हें 1000 करोड़ पकड़ा दीजिए। मिनिस्टर से लेके सीएम तक उनका शेयर पहुंचाने का जिम्मा इनका है। तू बस इसी तरह बोलते रह बेटा, तब तो चांदी है। लीजिए लीजिए और थोड़ा खाइए, ये लीजिए। hey, वहां क्या हो रहा है? खा के हाथी हो गए हो, कितनी दूर तक भागोगे? मैं थक गया हूँ यार, जाके कह दो ना मैं भाग गया। जा। नहीं माने तो? नहीं मानोगे तो दो बातें होंगी। पहली, मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। और दूसरी बात? दूसरी बात, वो सुनने के लिए बचोगे नहीं। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारी असली धुलाई करना तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की है। हेयर स्टाइल कड़क है, कहां कटवाता है बाल? जिस थोबड़े को मिनरल वाटर से धोता हूं उस पर पंच मारा। कितना समझाया, अभी तक मैं बैचलर हूँ, शादी के लिए एक ढंग की लड़की नहीं ढूंढ पाया और तुम मेरे खूबसूरत चेहरे का ग्लैमर बिगाड़ रहे हो। शादी कौन करेगा मुझसे? चलो, ये हिंदी पिक्चर है भाई, यह हीरो कभी नहीं मरता। अगर मरना ही होता तो फिल्म क्यों बनती? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या प्लीज नर्स को बुलाएंगे? मैं हूँ ना। ओह आई एम सॉरी, मिस यूनिवर्स नर्स की यूनिफॉर्म में आएगी तो ऐसा ही होगा ना। कंट्रोल में रहो, बीपी हाई है। अब तुम आ गई हो तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। तुम जानते हो यहाँ पर कैसे पहुँचे? किसी भले आदमी ने रोड पर मुझे पड़ा हुआ देखा होगा तो यहाँ ले आया होगा। नहीं आदमी नहीं लाया, लड़की लेकर आई थी। तुम्हारे लिए पता है कितनी मुसीबत सही उसने। Thank you.
बिल भरने के लिए उसने अपनी चेन तक बेच दी। जब तक तुम्हें होश नहीं आया वो तुम्हारी सेवा करती रही। अच्छा वो गले की चेन तुम्हें चाहिए? हाँ, ताकि जाकर तुम लड़की को लौटा सको। सीधे घर जाओ और पैसे भेज देना। हाँ, भेज दो। शक्ल से गधा लगता हूँ क्या? पहचाना आपने आपको? अच्छी लड़की थी बेचारी, चेन दीजिए ना। चेन नहीं मिलेगी डॉक्टर, चेन नहीं लौटाई तो किडनी चुराने का नकली केस बना के तुम्हें बदनाम कर दूंगा। उसके लिए कई बार जेल जा चुका हूँ, कुछ नया सोचो। नर्स से जो अफेयर है वो बीवी को बता दूंगा। मेरी बीवी ऑलरेडी भाग चुकी है और मेरे कई अफेयर्स हैं। बेटा सुन, मुझसे चेन पाने का एक ही तरीका है। चेन स्नैचिंग कर ले। थैंक्स फॉर द आइडिया। सिक्योरिटी, आयुष पकड़ो इसे। चेन ले ली सर। सिक्योरिटी, कैच हिम। कैच कर लिया सर। हेलो। हेलो सर, मैं वेंकट बोल रहा हूँ। कहाँ थे तुम, कहाँ हो अभी? फार्म हाउस गया था सर, वहाँ मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई, लेकिन उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। कहानी बाद में सुनाना, एविडेंस कहाँ है? हिफाजत से रखा है सर। समझ गया, वेरी गुड राजा। इस वक्त कहाँ है? मेरी जेब में सर। फौरन अपनी जेब को लेकर आजा, तेरी नौकरी पक्की समझ। आज नहीं आ पाऊंगा, कल आ जाता हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? आज मंदिर जाना है क्या सर? किसी की चेन लौटाकर उसे थैंक्स बोलने जाना है सर। अच्छा एक बात बता, चेन तू लौटाएगा और उसके बाद थैंक्स भी तू ही बोलेगा? हेलो, जवाब दे, चुप क्यों है? लगता है लाइन कट गई सर। तूने तो नहीं काटी? अब आप इतना कह रहे हैं तो काट देता हूँ, बाय। कॉल मत काटना राजा। टैलेंट है तो इतराएगा ही, सीधे आदमी का इस देश में काम ही नहीं। हेलो सर, दिलेश्वर के अगेंस्ट एविडेंस मिल गया। वेरी गुड अवतार, कहाँ है एविडेंस? आज किसी और की जेब में है, कल वो मेरी जेब में होगा सर। और मेरी जेब में कब आएगा? जैसे ही मेरे पास पहुँचेगा आपके पास पहुँचा दूंगा। तो तुम्हारी डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट कन्फर्म। सर थैंक यू सर, आई लव यू सर। हेलो हेलो बजरंग, तुम्हारे बॉस की एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे पास है। तीन दिन में ये काम हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं रुक नहीं पाऊंगा। कितना मांग रहे हैं? 100। 100? तूने तो कहा था वो मर गया। गलती हो गई भाई। जिंदा मुर्दे का फर्क नहीं पता। आप टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। ओए पंडित, अपने बेटे के साथ जा। ये है कौन? अब कल आई। मुझे डॉक्टर आलिया से मिलना है। डॉक्टर आलिया के ड्यूटी आज खत्म हो गए हैं। तो इस वक्त उन्हें कहाँ मिल सकता हूँ? शाम को एक चैरिटेबल ओल्ड एज होम जाती है। ड्यूटी के बाद ब्यूटी पार्लर जाने के बजाय ये ब्यूटी एक ओल्ड एज होम जाती है। ये सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ये तो क्यूटी है। क्या क्यूटी? गुड प्लस ब्यूटी इज इक्वल टू क्यूटी। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, मेरे बेटे से शादी कर लो। जिस बेटे ने आपको छोड़ दिया उससे शादी करने को कह रहे हैं? मुझे तो आप पसंद है, आप शादी करना चाहते हैं तो बोलिए। ये क्या है, जब देखो किसी ना किसी की हेल्प करती रहती है, अपने साथ साथ हमें भी फ्री में चैरिटी करवाती है। मानव सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ऊपर वाला सबके अकाउंट रखता है। ऊपर वाले के अकाउंट ऊपर वाले को देखने दे। तेरे नेचर की वजह से तेरे आशिकों की लाइन लंबी होती जा रही है, हर कोई तुझसे आई लव यू बोल के फ्लर्ट करना चाहता है। एक बार मना करने से चले भी जाते हैं। हाँ तुम देख लेना, अगर एक दिन किसी सरफिरे के हत्थे चढ़ गई ना, तब देखना क्या होगा। हाय लेडीज, Who is this? क्या डॉक्टर आलिया आप ही हैं? ये है, मैं नहीं हूँ। आप तो हो भी नहीं सकती, नर्स ने कहा था खूबसूरत लड़की थी, आप लड़की नहीं बहन जी हैं। चुप करो। मैं हूँ आलिया, और तुम? अरे मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना? रोड, हॉस्पिटल, चेन। तुम हो, काफी जल्दी ठीक हो गए। आपने मेरा इतना ख्याल रखा कि फटाक से ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया, 11 नंबर की बस पकड़ो और निकलो। मेरा भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा है। ऐसा क्यों? ऐसी सुंदर मूरत उनके सिवा कौन बना सकता है? मम्मी, ये तो नहीं जानता तुम कब पैदा हुई, लेकिन कहाँ पैदा हुई जानता हूँ। कहाँ हुई? स्वर्ग लोक में। इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर लैंड हुई, फ्लाइट में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? एक नंबर के फेंकू हो, ये चेन दो और निकलो यहाँ से। इतनी जल्दी कैसे दे दूँ? पहले कहीं आराम से बैठते हैं, कॉफी शॉफी पीते हैं, थोड़े गप्पे लड़ाते हैं, उसके बाद ये चेन आपकी। 6 फिल्टर कॉफी। ओके मैम। मैं कॉफी नहीं पीता। दोस्त एक डोसा लाना। अच्छा ये बताओ कि तुम सड़क पर घायल कैसे हो गए थे? शेर के लिए शिकार करना और रिपोर्टर के लिए रिस्क लेना अनअवॉइडेबल है। वैसे तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है? क्या लगा है? ब्यूटी स्पॉट। उन्हें देखकर पापा की याद आ गई, अब और रहा नहीं जाता, उनसे बात करने का मन कर रहा है। प्लीज फोन देना। थैंक यू। हे,
हेलो हेलो पापा। अरे ये तो तू है, कहाँ पर है नालायक? 10 दिन पहले निकला था, कहाँ मर गया था? मुझे नौकरी मिल गई पापा। नौकरी मिल गई? पर मुझे विश्वास नहीं होता। एक लड़की के पीछे पीछे हैदराबाद आ गया हूँ। ओहो, नौकरी के साथ छोकरी भी ढूंढ ली। पापा हाँ सुन रहा हूँ। एक बाप बड़े प्यार से अपने बेटे को खाना खिला रहा था, मुझे आपकी याद आ गई। ऐसी बात है क्या? किसी काम के नहीं आप। मेरी पीठ जलाने की हिम्मत कैसे हुई? फोन काटो। तुमने मेरी जिंदगी बचाकर एहसान किया, कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बिंदास याद करो। वो बात यह है कि जो भी मेरी हेल्प करता है ना, मैं उसकी हमेशा हेल्प करता हूँ, बचपन से मेरी आदत है। मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं वॉशरूम होके आता हूँ। आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। कैसे कह सकती हो? बिना वीजा के बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। अब कोई झूठी कहानी बता के यहाँ रुकने की कोशिश करेगा, देख लेना तुम। तुमने ऐसा क्यों कहा कि प्रॉब्लम नहीं है? You're in deep trouble. कहना क्या चाहते हो? कोई आदमी इसे फॉलो कर रहा है। जब ओल्ड एज होम में हम बात कर रहे थे तो एक आदमी दूर से तुम्हें देख रहा था। उस वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जब मैं वॉशरूम गया था ना, तो वो मुझे यहाँ मिला। कुछ तो लोचा जरूर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारा ही पीछा कर रहा है? तुमने ठीक कहा, मुझे भी वही डाउट हुआ था। मैंने उसका कॉलर पकड़ा तो उसकी पॉकेट से एक फोटो स्लो मोशन में गिरी। तुम्हें पता है किसकी फोटो थी? इसकी। हाँ। फिर तुमने उसके साथ क्या किया? जब फोटो पे नजर पड़ी तो मेरे तो होश उड़ गए। मैं उस फोटो को देखता ही रह गया और उसमें वो आदमी भाग गया। उस फोटो का क्या किया? जैसे ही वो भागा ना, जोर की हवा से फोटो भी उड़ गई। फोटो खिड़की से बाहर चली गई। लेकिन तुम चिंता मत करना, जैसे गरीब की नजर रोटी पर, बेरोजगार की नजर नौकरी पर, सीबीआई की नजर भ्रष्टाचारी पर, मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहेगी। हाँ। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, और अगर कोई है भी तो उससे बचाने के लिए भगवान है ना। उस भगवान ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था, पर लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। बाय। अरे लेकिन मैं तो, लगता है मेरा जाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो जाते जाते जरा चेन तो देते जाओ। ओ चेन, व्हाट अ ब्रेन। ये ले लो, बाय। जान छोटी, पता नहीं किसका मुंह देख के उठी थी। झूठी कहानियां सुना के गोंद की तरह चिपक गया। मैंने अपना सीआईडी दिमाग लगाया और उसे यहाँ से भगा दिया। जरा उधर देखो। बालिकाओं, 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ। यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है? किसी ने कहा है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरा मसाला डोसा आधा छोड़कर मैं बस स्टैंड की ओर चला गया। बस चलने ही वाली थी कि अचानक मैंने उस इंसान को देख लिया। किसे? इसका पीछा करने वाले को? नहीं, मेरा पीछा करने वाले को, मेरी अंतरात्मा। मुझे मदद करने वाली लड़की को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ कर जाने में संकोच कर रही थी, इसीलिए मैं लौट कर यहाँ आ गया। तुम घर जाओ, इस मजनू को मैं हैंडल करती हूँ। अकेली जा रही हो? बॉडीगार्ड साथ ले जाओ। कहाँ जा रहे हो? यही रुको, तुम जानते नहीं हो मेरे पास वीआईपी बॉडीगार्ड्स हैं। अगर उन्हें बुलाया ना तो तुम्हारी हड्डियों का चूरा कर देंगे। कोई बात नहीं, आलिया ठीक कर देगी। तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। यही है वो, इसी लड़के ने ना। फोन पर डिटेल्स दे चुकी हो। ये हमारा इलाका है। रोमियो इज नॉट अलाउड। सुनिए मैडम, आप जाकर सो जाइए। चले उठा इसको। चले उठ। चल, उठ उठ चल, उठ बे चल। हाँ बोल बेटा, क्या प्रॉब्लम है तेरा? रहने को जगह चाहिए। जगह चाहिए? चल कोने में आजा। कहाँ ले जा रहे हो? बार में पीने के लिए। पिलाओगे या खिलाओगे? पहले ड्रिंक लेंगे, बात का बाद में सोचेंगे। चल आजा। ड्रिंक से पहले बातचीत, बात नहीं समझे तो मारपीट। समझ गया तो घर जाएगा, वरना हॉस्पिटल, समझा? बीएसटी बस में चढ़ेगा या आईसीयू में गिरेगा? कल अखबार में न्यूज पड़ेगा या अपने मर्डर की न्यूज बनेगा? तुम्हारी बात भेजे में घुसी। क्या घुसी? मैं समझ गया तुम यहाँ के सड़क छाप गुंडे हो। क्या भाई लोग, वीरा भाई के पैसों से पार्टी कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट भी तो भरते हैं। 2 हफ्तों से इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, लेकिन पीने के लिए पैसा है तुम्हारे पास? तुम ओके बोलो तो इंस्टॉलमेंट मैं भर दूंगा। ओके ओके भाई लोग, ओके। ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है? तुम्हें तो कहा था कि ओके है। क्या हमने? अपन उधारी का पैसा मांगने आया, इसलिए पिटवाया ना भाई? तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। चलो रे।
ए, ये चारों मिलकर तेरे मणि भाई की वाट लगा देंगे। चुप चुप आजा आजा। ए, आज दो बातें हुई। पहले उसने उन लोगों को मारा, मतलब हम उसे नहीं मार सकते। दूसरा भी वही है गधे, उसने उनको मारा, ये भाई को बताएंगे और भाई हमें कोर्ट के रख देंगे। यार अब हमें कोर्ट बचाएगा। तुम्हारे लाइफ की चाबी मेरे हाथ में है, तो अपने कमरे की चाबी मुझे दे दो। उस भाई को जीने नहीं दूंगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भाई की परमिशन के बिना वहाँ कॉकरोच भी पर नहीं मार सकता। तुमने उन्हें मारा, तुम्हें परमिशन नहीं पनिशमेंट मिलेगा। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? क्या कहा? जहाँ वेंकट वहाँ नो संकट। वीरा भाई हमारी खाल उधेड़ के रख देंगे। टाइम ही खराब चल रहा है। वो बेड किसका है? मेरा है। मैं वहाँ सो जाऊँ भैया? जा लंबा हो जा। थैंक यू। कौन रोक सकता है? आज तो हमारा मतलब तय है। काश ऐसा होता कि दीवार के पीछे गायब हो जाते, छुप जाते। चल 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 चल। क्यों बे? बिना रहम मेरे आदमी को धोया, बिना परमिशन मेरे कॉलोनी में घुसा है ना? कॉलोनी तेरे बाप की जागीर है क्या? यस, मेरी सल्तनत है। इस कॉलोनी की A1 ब्यूटी मेरी है। तेरी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है और तुझे A1 ब्यूटी चाहिए? लेकिन हमारी एज मैच करती है। संध्या मैडम, उस कांटे से इस कांटे को निकाल दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? ब्रह्मा, वीरा ब्रह्मा। नेवर एवर डू वॉर विथ वीरा, जिंदा गाड़ दूंगा। और पाप हो गया, बिना आपको जाने आपसे उलझ बैठा, आपके आदमियों को कुत्ते की तरह मारा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। आइए आइए, बैठो। हाँ बैठो। क्या रे? ओके ओके ओके। पहले मेरे आदमी की धुलाई करने के लिए सॉरी बोल। I'm sorry भाई, लेकिन सॉरी बोलने की आदत नहीं है। अभी तो बोला। उसके लिए सॉरी। मेरी खींच रहा है, कपड़े उतार के मारूंगा। मुझे मारने के लिए आपको कपड़े उतारने की क्या जरूरत? वो भूल जाइए। संध्या मैडम के बारे में कुछ कह रहे थे आप। यू आर राइट, मैं आगरा हूँ और वो ताजमहल एक दूजे के बिना अधूरे। कुछ भी कह लो भाई, आपकी जोड़ी झकास लगेगी। शाहरुख खान और काजल जैसी ना? क्या बोलते हो भाई, काजल आप जितनी खूबसूरत थोड़ी है। आप दोनों का रिश्ता कैसा है मैं बताता हूँ। आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कमाल की। फिजिक्स केमिस्ट्री ए ग्रेड है, हिस्ट्री में फेल है। ऐसा क्यों? संध्या ने मुझ पर साइकोलॉजी का अस्त्र चलाया। वीरा, अपने साइकेट्रिक ब्रेन से तुमसे 100 मार्क्स का लव टेस्ट लूंगी। वाह, लव टेस्ट? जानू मेरा प्यार है बेस्ट। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें बिना देरी किए फटाफट जवाब देना होगा। मिल्खा सिंह से भी फास्ट जवाब दूंगा। ज्यादा फेवरेट कौन है, रणबीर कपूर या शक्ति कपूर? शक्ति कपूर। आलिया भट्ट या आर्या भट्ट? आलिया भट्ट। सनी लियोनी या सनी देओल? सनी लियोन। सनी लियोनी या मैं? फिर सनी लियोन। जवान पड़ोसन या मैं? पड़ोसन। काम वाली बाई या मैं? ऑफ कोर्स काम वाली। तुम्हें मैं पसंद हूँ या मेरी नौकरी? तुम्हारी नौकरी। मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाली हूँ या नहीं? जरूर मारोगी। मम्मी, ये थी मेरी हिस्ट्री। यू डोंट वरी भाई, संध्या मैडम को आपके शीशे में उतारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके। कल इसी नंबर से उस नालायक ने फोन किया था ना? हेलो। ये तो किसी लड़की की आवाज है, जरूर तुम्हारी बहू होगी। बात कीजिए ना। हाँ, गुड मॉर्निंग बहुरानी। कौन बहुरानी? कौन सा नंबर चाहिए तुम्हें? यही वाला, कल मेरे नालायक बेटे ने इसी नंबर से तो कॉल किया था। पागल हो गया है क्या बुड्ढे? दोबारा मुझे फोन मत करना। सिटिया क्या है बुड्ढा? उसने तो फोन काट दिया। होने वाली बहू से ऐसे बात करोगे तो और क्या करेगी? ओहो। हाय। हाय। कार्ड देने में मुझे देर हो गई आलिया, पर तुम शादी में टाइम पर आना। मैं बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगी। ए, ये ले लेटेस्ट चंदा मामा। ओ, थैंक्स। तुम सब तो बहुत होशियार हो, बेकार में निकम्मा समझा मैंने।
किस बात की मीटिंग है? कल रात को उस मजनू को इन तीनों ने मिलकर अच्छा सबक सिखाया है। उस मजनू को इन्होंने इतना मारा कि वो अब तक तो शहर छोड़ के भाग गया होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, बस एक मिनट आया। हाय कॉलोनी मेट्स। हाय रूममेट्स। हाय क्यूटी। हॉस्पिटल में तुम क्या कर रहे हो? इस ब्यूटी को सिक्योरिटी देना मेरी ड्यूटी है। सिक्योरिटी? हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ रहेगा, आवारा कुत्ते नहीं चाहिए। यहाँ सिर्फ पेशेंट रहेंगे और उनके रिलेटिव्स। इसे बाहर निकालो। बदला लूंगा। भाई, यहाँ। क्या हुआ? यहाँ बैठो भाई। बात क्या है? पहले बैठो फिर बताऊंगा। अरे, अब बोलो क्या हुआ? नहीं भाई, पहले ड्रिंक्स पियेंगे। ड्रिंक्स, डिस्कशन, एक साथ? ये कोई टाइम है? रात को अच्छा लगता है। बिना सवाल के गटक लो भाई। ड्रामा बहुत हुआ, बको। ये उतरेगी तो गले से बात निकलेगी। ऐसा क्या? अब रिकॉर्ड प्ले करो। आज संध्या मैडम से मिला था। हाँ? मैंने उनसे कहा कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा पानी सर से ऊपर निकल चुका है, उन्होंने कहा भाई क्या कर लेंगे। मैंने कहा आपके प्यार में वो जहर पी लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप डरपोक हैं। उनसे चैलेंज जीतने के लिए मैं आपको जहर पिला कर रहूंगा। अरे मैं क्यों जहर पीने लगा? मैं नहीं पीऊंगा। आप ऑलरेडी पी चुके हैं। क्या मैं? हाँ भाई। कब? अभी एक मिनट पहले आपके ड्रिंक में मैंने जहर मिला दिया था। पागल है क्या? पिला दिया, वो गए अंदर और मैं जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे। ऊपर हटो, हटो, हटो। भाई ने संध्या मैम के प्यार में जहर पी लिया। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। इमरजेंसी केस है, हटो। इमरजेंसी? पेशेंट का रिश्तेदार हूँ, पेशेंट का रिश्तेदार। मैं इनके साथ आया हूँ। डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू वंस अगेन। क्यों वीरा, थोड़ा जहर क्यों पिया? पूरी बॉटल क्यों नहीं पी? जरूर पियेंगे भाई, प्यार में बॉटल तो क्या, पूरा ड्रम पी जाएंगे। पूरा ड्रम? जरा यहाँ, मुझे एक डाउट है, तू मेरे लिए यहाँ आया या उसके लिए? मेरा प्यार होता तो मैं जहर पी लेता। जहर का नाम लिए बिना तेरा सेंटेंस पूरा नहीं होता क्या? मुझे तो चाय के नाम से ही एसिडिटी हो जाती है। जहर मेरा पेट अपसेट कर देगा। क्यों रे, आर्ट फिल्मों की तरह ये मामला ज्यादा रियलिस्टिक नहीं हो रहा क्या? क्यों ना माल मसाला डाल के साउथ फिल्मों का तड़का लगा दे। क्या कह रहे हैं तुम्हें? सुनना चाहती हैं आप? जहर लाने को कह रहे हैं ताकि आपके सामने जहर पी जाए। मैंने कब कहा? शौक से मरो तुम यहीं। अच्छा हुआ बहू ने फोन उठा लिया। तो मैं कह रहा था बहू, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। आगे से फोन किया तो तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगी। उस नालायक को डॉक्टर मिल गई? अपने पापा से कहो मुझे बार बार फोन ना करे। आओ, तुम्हारे पापा इसे बहू क्यों बुला रहे हैं? क्या तुम भी इसी पे लाइन मार रहे हो? चीची चीची कह के इतना गंदा चेहरा बनाया, तुम्हें वो इतनी बदसूरत लगी क्या? ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी प्रेमिका है ना, मेरे लिए आंटी समान है। शुक्र है दोस्त, डॉक्टर से कहो ना मुझे डिस्चार्ज दे दे, मुझे वसूली पे जाना है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? आप भी थोड़ा सा जहर पीजिए ताकि इनका दर्द समझ में आ जाए। अबे क्या बक रहा है? मैं शपथ लेता हूँ, जब तक भाई को प्यार में कामयाबी नहीं मिलती मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। बहुत भूख लगी है, चलो कैंटीन में चलकर डिस्कस करते हैं। अबे फेकू चन, प्यार में तो लोग कुछ भी कर लेते हैं, जहर खाकर जान भी दे देते हैं। देखो वेंकट, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? You help me, I help you. How can you think like that? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या कहा? सच में। उसमें दम नहीं हुआ तो उसे रिजेक्ट कर दूंगा। उसमें कम से कम फिल्म के हीरो जैसी लुक्स होनी चाहिए। दुनिया के टॉप मैगजीन्स के कवर पेज पर फोटो ना छपे, ऐसा बॉयफ्रेंड किस काम का? जानते हो ये कौन है? द मोस्ट सक्सेसफुल हार्ट सर्जन इन द स्टेट, डॉक्टर विश्रांत। अच्छा? The most eligible bachelor. ऐसा क्या? 24/7 वो बिजी ही होते हैं, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो तो ही अग्री करते हैं। समझ गया, बात कहाँ तक पहुँची है? बात तब बढ़ेगी जब वो मुझे देखेगा। ये बात है, आज तक बात ही नहीं हुई। My bad luck. One-sided love. कोई भी लड़की उसे प्यार करेगी। ओके। मैं सेट कर दूंगा। क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसे हेल्प ही समझ लो। बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं फिट कर दूंगा। मैं उस हार्ट सर्जन के हार्ट को ऐसा रेस्टलेस कर दूंगा कि वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। हाँ। ए, 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 ए। कौन है? वही जो तुम्हें ट्विटर की तरह फॉलो कर रहा है।
क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ इसे। कुछ नहीं हुआ है, इतनी फिक्र मत करो उसकी। मुझे पेशेंट्स देखने जाना है, बाय। हाँ जाओ जाओ, बिल पे कर देना। ओके। एक बात समझ में नहीं आई, ये प्यार तो डॉक्टर विश्रांत से करती है, फिर इसकी मदद क्यों कर रही है? एकदम बुद्ध हो, समझती नहीं हो। वो एक फॉर्मूले पर काम कर रहा है, आलिया के सामने भोला बनके वो उसकी हेल्प करने की एक्टिंग करेगा, फिर उसका कॉन्फिडेंस जीतेगा। यही तो है फॉर्मूला, सिंपथी फॉर्मूला, यही होने वाला है, देखती जाना। आप बिल्कुल ठीक हैं, कल सुबह आप घर जा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। मुझे लगता है सेफ्टी के लिए 2-3 हफ्ते इन्हें यहीं रखना चाहिए। 2-3 हफ्ते और सड़ाएगा। भाई मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं ना? मैं कह रहा था तुझसे किस मनहूस घड़ी में मिला, डिस्चार्ज मिलते ही तुझे देख लूंगा। बाहर निकलोगे तब देखोगे ना। है? आग, आग, आग। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन में जाए खाली। किया डिस्चार्ज मिलने वाला था, फिर कूदे क्यों? किसी ने कहा हॉस्पिटल में आग लगी है। आग लगी है? हाँ। कल रात यहाँ कोई फायर एक्सीडेंट हुआ था, नहीं तो? हाँ? वो तुम थे? इन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। हाँ? संध्या डे शिफ्ट में है ना? ये मेरा कांड है भाई, कल रात ही मैंने संध्या मैडम से एक मीटिंग की, आपकी तरफ से शादी का प्रपोजल दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो मैं भी भड़क गया। मैंने कहा भाई खिड़की से कूद जाएंगे, उन्होंने कहा वो डरपोक है नहीं कूदेंगे, पर आपने कूद के मेरी इज्जत रख ली। यू आर फैंटास्टिक भाई, सिंपली अमेजिंग। आओ मम्मी। तुम फिर से बच गए, 8th फ्लोर की बिल्डिंग है, फिर भी तुम 2nd फ्लोर से क्यों कूदे? जरूर कूदेंगे, आपके प्यार के लिए सिर्फ 2nd फ्लोर क्या है, वो टेरेस से भी कूदेंगे। आईफेल टावर से कूद जाऊं? कुतुब मीनार से कूद जाओ। संध्या, तीर निशाने पर लग गया ना दुश्मन। अपने फ्रैक्चर्ड हाथ जोड़ता हूँ, आगे से मेरी हेल्प मत करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? इस वक्त तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने की हालत में नहीं हूँ रे, बस बचे हुए हाथ पैर सलामत रहे ऐसी विनती कर सकता हूँ। सुन, हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज मिलते ही अगर तुझे इसी बेड पर नहीं लिटाया तो मेरा नाम वीरा ब्रह्मा नहीं। मैं समझ गया भाई। क्या समझ गया? नीचे कूदने के बाद घुटने के साथ ब्रेन डैमेज हो गया, वरना मुझे धमकी देने की गलती नहीं करते। पर मुझे इस बात से दुख नहीं हुआ, जब तक आपका प्यार आप नहीं पाते मैं भी चैन से नहीं सोऊंगा। सोएगा नहीं, उबासी तो ले रहा है। एक नंबर का लुचा है, मेरी चेन चुरा के ले गया, एक लड़की उसे यहाँ लेकर आई थी। वो उस लड़की का एड्रेस वाला पेज फाड़ कर ले गया। लेडी डॉक्टर हैदराबाद की है, मेरे ख्याल से उसका नाम आलिया है। बॉस को फोन कर ले, उसका पता चल गया है। उससे कांटेक्ट हुआ या नहीं? अभी उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया सर। एक नंबर के बेवकूफ हो। ऐसा मत कहिए सर, मैं खुद के लिए कोई अच्छी गाली सोच लूंगा सर। तेरे लिए तो गालियों की नई डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, जैसे ही तुझे एविडेंस मिल जाए तुरंत मुझे मेल कर देना। लेकिन सर आप ही ने कहा था ना मेल हैक हो सकता है। उसी की वजह से तो आज तक बचता रहा हूँ मैं। मैं कुरियर से भेज दूंगा सर। फोन रख। उसकी टेबल से आई चाय और कॉफी की भीनी भीनी खुशबू मेरी आंखों में छलके खुशी के मारे आंसू। मुझे आंसू क्यों नहीं दिख रहे? इस साल मॉनसून की शुरुआत केरला से हुई है, पानी यहाँ पहुँचने तक थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी हर बात जलेबी की तरह होती है। Okay then, I'll see you later. Okay. क्या क्या बातें हुई, अपने दोस्तों को नहीं बताओगी? आज मेरी बर्थडे पार्टी में वो मुझे सरप्राइज देगा, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। ये क्या मतलब, मैंने कर दिखाया, तुम दोनों का टाका भिड़ गया। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम जाओ। जरूर जाऊंगा, बस एक प्रॉब्लम है, तुम्हारा पीछा करने वाले उस आदमी को पकड़े बिना कैसे जा सकता हूँ? बहुत सुन ली झूठी कहानी, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, तुम इससे झूठ बोलना बंद करो। ए, वो देखो। इसका मतलब सच में तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है?
मैंने पहली बार रवि को देखा जब वो तुमसे मिलने ओल्ड एज होम में आया था, फिर उस दिन रेस्टोरेंट के रेस्टरूम में दोबारा मुझसे टकराया, उसके बाद कैंटीन में तुम्हें फॉलो किया और उस रात पब में भी उसका पीछा किया पर चकमा देकर भाग गया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पिछले 7 दिनों से ना मैं अपने घर गया हूं ना ऑफिस, सिर्फ तेरी वजह से। कौन है? बता क्यों फॉलो कर रहा है उसे? मैं आलिया से प्यार करता हूँ सर। आशिकी छाड़ेगा भाई, जब से उसे देखा है उसके बिना एक भी पल जिया नहीं जाता मुझसे, इसीलिए उसका पीछा करता हूँ। मुझे माफ कर दो भाई। आज के बाद गलती से भी उसके आसपास नजर आया ना तो जान ले लूंगा। चलो फाइनली आज तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो लड़का तुमसे प्यार करता था इसीलिए तुम्हें ताड़ने आता था, उसकी धुलाई करके उसे भगा दिया है, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। ओके बाय। रुको, मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड कर लो फिर जाना। अरे यार मुझे तो लगा था तुम इनवाइट करोगी या नहीं, अब कर ही लिया है तो जरूर आऊंगा। एक कॉल करता हूँ। ए मेरे फोन से नहीं। थैंक यू वेरी मच। हेलो पापा। कहाँ मर गया था नालायक, बाप को एक फोन तक नहीं कर सकता। मैं कल ही घर लौट रहा हूँ। सुन, तुझे नौकरी देने वाला मुझे रोज रोज फोन खड़काता रहता है, तू नौकरी कर रहा है या नहीं? आप फोन काटो, मैं उसे फोन करता हूँ। अब याद आई है, किसी बैंक से कर्जा लेके फॉरेन तो नहीं भाग गया ना तू? अरे तुझे नौकरी देने के चक्कर में मैंने खुद अपनी नौकरी खतरे में डाल दी है। सर जरा इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसीलिए यहाँ रुकना पड़ा है। पहली नौकरी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी बात है? क्या सर, अगर कोई मेरी मदद करे तो मैं उसकी मदद किए बिना नहीं रह सकता। एक लड़की ने मेरी बहुत मदद की तो मैं उसी की एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। कल सुबह तक ऑफिस पहुँच जाऊंगा। अरे तू आ या ना, कल सुबह तक कुछ भी करके वो सबूत मुझे पहुंचा दे। चाहे तो मुझे भी मत भेज, डायरेक्ट एमडी को ईमेल कर दे, ईमेल आईडी मैं देता हूँ। अगर कल भेजा तो टेलीकास्ट हो जाएगा। पहले तू उसे भेज तो, इवनिंग 5 o'clock पर ब्रेकिंग न्यूज को टॉप टीआरपी मिलेगी। ओके सर। शाबाश अवतार। लीजिए लीजिए और थोड़ा खाइए। बोल। पैसे रेडी रखना। रेडी, काउंटडाउन स्टार्ट। कुकिंग शो में आपका स्वागत है, आज हम आपको सिखाएंगे बैगन का भरता बनाना। सुने रेडी। सर यहाँ तो कुकिंग शो आ रहा है, ये हमारा ही चैनल है ना? डैडी। ए रुक। ये तो उल्टी गंगा बह गई, हमारी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज दूसरी चैनल पर आ रही है। चैनल चेंज कीजिए सर। उसने हमारी चैनल को छोड़कर बाकी सारी चैनल को फुटेज भेज दी। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। यस यस वेरी प्रिटी। व्हाई इज ही टॉकिंग लाइक दैट? हु इज ही? आई डेकोरेशन आफ्टर केक कटिंग आई गो। ये 7.5 lakh की डायमंड रिंग, यही है मेरा बर्थडे सरप्राइज। हैव इट। मैं भी एक गिफ्ट दे सकता हूँ? हाँ। ये क्या है? खोल कर देखो। चंदा मामा, oh my God, ये तो वही बुक है जिसमें मेरी कहानी छपी थी। तुम्हारी फ्रेंड से पता चला कि तुम्हें ये किताब पढ़ने का शौक है, इतने दिनों से उस किताब को ढूंढ रहा था जिसमें तुम्हारी कहानी छपी है। इसे कैसे ढूंढा? कहते हैं ना, where there is a Venkat, there is a way। लकीली आज सुबह ही मिल गई। थैंक यू। हर महीने चंदा मामा लाऊंगा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना, जिंदगी में हमेशा खुश रहो। चलता हूँ, बाय। मैंने 7.5 lakh रुपए की डायमंड रिंग दी और तुम्हें पसंद आई है 7.5 lakh रुपए की किताब? ऐसा क्या है इस किताब के अंदर?
जो चीज दिल के करीब हो वो अनमोल होती है। ये फेलियर्स की फिलॉसफी है। मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हें इतने फेलियर और चीप किस्म के लोग पसंद हैं। तुम्हें बुरा लगा इसलिए सॉरी, पर मैं ऐसी ही हूं। मेरी बात सही निकली, उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर ही दिया। अपने प्यार को पाने की हेल्प करके वो मुझे प्यार के असली मायने समझा गया माँ। उससे मैं कुछ कह पाऊँ इससे पहले ही वो चला गया माँ। अब उसे कहाँ ढूंढूंगी, उसका तो फोन नंबर भी नहीं। हेलो। हाँ, ये तो पहली वाली लड़की नहीं है तो? कोई और है। अपने नालायक बेटे से बात करनी है। आपका बेटा? अरे वही नालायक, कल इसी नंबर से तो फोन किया था। माँ वो मिल गया। हेलो। सिर्फ कंफर्म करना चाहता था, मेरा बेटा तुम्ही से प्यार करता है ना बेटा? हाँ अंकल। वैसे तुम क्या करती हो? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हो फिर भी उस निठल्ले से प्यार कर बैठी? कुछ जानती भी हो उसके बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं, पर जानना चाहती हूँ। बातें बहुत सी हैं पर तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। बचपन से ही मनमानी करने की आदत है उसे। आज से 13 साल पहले अपना घर, खेती, रिश्तेदार उस नालायक की वजह से छोड़कर भागना पड़ा। किसी और के मुंह से सुनेगी तो क्या बीतेगी उस पर? ये कहाँ की बात है? और कहीं नहीं, हमारे गांव की बात है। चित्तूर जिले में छोटा सा गांव है हमारा। मुन्ना, उसके घर का नाम तुझे कैसे पता? जरूर उसी ने बताया होगा तुम्हें। हेलो, हेलो। इस कब्रिस्तान में मुन्ना दिखाई दे रहा है, नजर आया आपको? माँ वहाँ देखो। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों सो रहे हो? ओ सुबह हो गई, चलो बताता हूँ। गांव में एक मूर्ख बच्चा है, उसने मुझसे शर्त लगाई कि रात भर कब्रिस्तान में सो जाऊँ और ये रिबन से लौटाऊँ। पर देखने में लग रहा था जैसे तुम डर के बेहोश हो गए थे। कहाँ ना के सो रहा था, तुमने मेरी मदद की। तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, मैं सच्ची में बेहोश था, किसी को बताओगी तो नहीं? वैसे आपको किसके घर जाना है? राजेश्वर राव के घर। ओ, उस महल जैसे घर में। आपका महल उस तरफ है, मेरी चौपड़ी इस तरफ है। हे खोजू राम, चलो मेरी साइकिल दे। ए, पिच्छेश्वर। क्या रे, तू सच में रात भर अकेले शमशान में था? मुझ पर शक कर रहा है? साइकिल ले दूंगा जा। और किसी को मेरे पर शक है? तुझे डर नहीं लगा? डर और मुझे सवाल ही नहीं। भूतों के साथ मैंने लुका छुपी खेली, सीटी बचा के मेरे पास बुलाया, भूतों के साथ डांस किया, भूतों के साथ खाना भी खाया। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। सियार की डरावनी आवाज भी सुनाई दी, फिर भी मैं घबराया नहीं। मेरी रक्षा कर रहा हूँ, मैं साइकिल के लिए कर रहा हूँ। मेरे बापू कंजूस है, कभी नहीं दिलाएंगे। ऊपर पेड़ पे एक भूत दिखा। हेलो मामू। उसके बाद एक कब्र पर आराम से सो गया। एक बात बता, ये बात अगर माँ को पता चली तो क्या होगा? हवा आने दे लक्ष्मी, जब भूतिया कुछ नहीं कर पाई तो माँ क्या करेगी? अपन भूत का सरदार है। छोड़ूंगा नहीं लक्ष्मी। क्यों रे, जाके कब्रिस्तान में सोया तू? मम्मी दिमाग खराब हो गया तेरा, पता नहीं कब अकल आएगी, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे अरे रुको रुको, अरे क्या कर रही हो, रुक जाओ। थैंक्स बापू। मारने से क्यों रोका, दोस्तों से शर्त लगाकर रात भर कब्रिस्तान में सोया। नहीं नहीं, तुझे मारने से नहीं रोका मैंने, तुम्हारे हाथ में दुखने लग जाए इसलिए मारने का काम मैं ही कर लूंगा। जरा मुझे देना, ये देना। उसे कहाँ चिपकाओगे? जहाँ तेरे कीड़े हैं वहीं चिपकाऊंगा। देखो माँ पापा। मैं तुम लोगों को स्टेशन लेने गया था, तुम लोग वहाँ रुके क्यों नहीं? काफी इंतजार किया, लगा अपने ही आएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है,
बड़े बुजुर्ग कुछ कह दे तो बुरा मत मानना, ओके? चलो आ जाओ बेटा, आओ, चलो। शादी करने के 10 साल बाद ये राज बता रहे हो? आप छोटे घर की बेटी को नहीं अपनाएंगे, इस डर से मैं चुप रहा। सोच कैसे लिया किसे अपना लेंगे? मेरे डर और इस घर की मर्यादा ने आज मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसे घर में रखने से खानदान का नाम कलंकित हो जाएगा, मेरे लिए रिश्ते का क्या होगा? हम इसके लिए रिश्ते लेकर आए, इसी वजह से इसे आज अपना सच बताना पड़ा। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, बहू को अंदर ले जा। आलिया चलो अंदर। तो क्या आप इसे स्वीकार कर लेंगे? कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहू बना लूंगा? तेरा एक ही बेटा है, उसे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उस औरत को तो बाहर फेंका जा सकता है। खाना दो मुझे। पापा मुझे नई साइकिल चाहिए। पहली साइकिल कहाँ गई? एक शर्त में हार गया। ये उम्र है शर्त लगाने की? आपने भी क्रिकेट के सट्टे में बहुत पैसा डुबाया था बापू। जवाब दे। तक मैं इस घर में नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ मैं। हे, तूने तो बोला घर छोड़ेगा, अब ये कपड़े क्यों उतार रहा है? जो काम करूंगा स्वाभिमान से करूंगा। आपके कपड़े आप ही को मुबारक। तू ही मेरा सच्चा वारिस है, तुझ में मेरे खून के सच्चे लक्षण है। तुझे नई साइकिल मैं दिलाऊंगा। एक तरफ घर की सभी महिलाएं लक्ष्मी को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, दूसरी तरफ आलिया मुन्ना के स्कूल में दाखिला लेने पहुंच गई। मुन्ना उसे वहां देख के ऐसे खिल गया जैसे एलईडी लाइट। उसने प्रिंसिपल से सिफारिश की, सबसे पढ़ाकू लड़की के बगल में उसे बिठा दिया और सारा पिछला पुराना होमवर्क थमा दिया। आलिया ने पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो पता है अपने हीरो ने क्या कहा? मुन्ना की जो इतुसी हेल्प करता है, मुन्ना उसे कभी नहीं भूलता। खा खा के बैल हो चुका पिच्चेश्वर आलिया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। स्कूल में उसका टिफिन खा जाता था और घर पर उससे पैर दबवाता था। अज्ञातवास में जाना होगा। कुली की तरह उसे स्कूल बैग भी उठवाता था। हमारे हीरो ने ये सब देखा, हाथ में पेंसिल टूटी और पिच्चेश्वर राव की किस्मत फूटी। ए पिच्चेश्वर, आज शर्त तेरी मर्जी से। अगर आज तू शर्त हारा तो आलिया को तंग मत करना, और अगर मैं हारा तो ये साइकिल तेरी हो जाएगी। ये लड़कियों वाली शर्तें नहीं चलेगी, कोई मर्दों वाली बात कर। ठीक है, जो हारेगा वो 1 साल के लिए गाँव छोड़ देगा। अरे तेरा दिमाग ठिकाने है। ए ये हुई ना मर्दों वाली बात, हारने वाला 13 साल तक गाँव में कदम नहीं रखेगा। लग गई। और इस तरह रेस शुरू हुई। चल गया तो कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उन्हें? अगर मैंने बता दिया तो। रुक जा लक्ष्मी। ब्रेकिंग न्यूज घर पहुंच गई और धनेश्वर का खून खौल उठा। हे, मेरे वारिस को वनवास भेजा, उसके माँ बाप के सर काट दो। मुन्ना के बाप की हवा टाइट हो गई, घर पर ताला लगा के पूरा परिवार भुर्र हो गया। मेरे पीछे से मेरे खेत संभाल लेना, जिंदा लौटा तो फिर बात करेंगे। सुनो तो क्या हुआ? पर घर वालों ने आलिया को कसूरवार माना। रहने तो ना। छोटी सी उम्र में स्वयंवर रचा के 2 लड़कों में लड़ाई करवा दी, अच्छे परिवार का खून हो ही नहीं सकता इसमें। अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपनी कुलक्ष्मी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। लक्ष्मी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। क्या हुआ, कहाँ जा रही? मामूली सी बात हुई,
तुम्हारी बेटी से गलती हुई, उसे प्यार से समझा रहा था। तुम्हारी पत्नी को इतना बुरा लगा कि हमें खूब खरी खोटी सुना दी और अपनी बेटी को लेके जाने लगी। क्या पता था कि बड़ों के लिए इसके मन में सम्मान ही नहीं। और तुम तो इसके पति हो, जाने से पहले तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। देख लिया इसका असली चरित्र? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ बोलने से पहले अपनी हैसियत देखो। आलिया, आलिया, कहाँ जा रही है तू? और रो क्यों रही है? तुमने वो शर्त क्यों लगाई? तेरे लिए लगाई। ये मुझे कहीं तंग करेगा तो मुझे परवाह नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हुई, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। घर में रहने से अच्छा कहीं और चली जाओ। अरे मुन्ना, तू ये किससे बात कर रहा है, है? कौन है ये लड़की? थोड़ी खुशियाँ मिलना शुरू हुई थी, तुम्हें सब खत्म कर दिया। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। ऐसा मत बोल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है मैं तेरे बच्चों का बाप बनूं। बस बंद कर, चल अब यहाँ से। दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, चल। तेरी वजह से गांव छोड़ना पड़ रहा है। धक्का मत दे बाबू, छोड़ के चला जाऊंगा। क्या छोड़ के चला जाएगा? कहाँ जाएगा तू? जा। अरे ये तो सच में चला गया। बहुत भूख लगी, एक नींबू पानी दो ना। क्यों, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? है ना, मगर मैं घर से भाग कर आया हूँ। माँ, ये बैग मुझे दे। माँ, कोई जरूरत नहीं, भारी है। लगू ना। सर, आज उस लड़की को मार दूंगा। क्या नाम है तेरा? रविशंकर। रविशंकर, इतने दिन हो गए लेकिन अब तक उस लड़की को मार नहीं सके। ये सब काम छोड़ दे और सितार बजाना शुरू कर। जाता तो बहुत पहले मार चुका होता, पर ऑर्डर्स थे। मर्डर में आपका नाम किसी भी तरह नहीं आना चाहिए और मर्डर प्री प्लान नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने उस लड़की का पीछा किया। लेकिन कुछ हुआ नहीं। आपको बताया था ना, एक लड़का पहले से ही उसका पीछा कर रहा है। बहुत स्मार्ट है, वाईफाई की तरह हमेशा उसके साथ चिपका रहता है। अब वो लड़का चला गया है, इसलिए आज उस लड़की का काम तमाम। बेटी, बेटी हमें माफ कर दो। बेटी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूं। अरे नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा बेटा आपको दूर से देखता रहता है। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो आपसे प्रेम करता है। आज सुबह की ही बात है, किसी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा। मेरा बेटा बहुत ज्यादा डर गया है, ना ही घर से बाहर निकल रहा है और ना ही हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा रहा है। आप मुझे उसके पास ले चलिए, मैं उसका इलाज करूंगी, ठीक है? चलिए कार में बैठिए। वो रही आलिया मैडम। वो वीडियो बनाने वाला और उस लड़की का यार दोनों एक ही आदमी है। तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला। उस दिन हाथापाई के दौरान तूने अपने पीछे कुछ छुपा कर रखा था। क्या रखा था तूने? दिखा मुझे। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा, हाँ? उसे मारने का इरादा है ना? सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी मार दूंगा। तुझे फंसाने के लिए ही मैंने यह एड्रेस दिया था। Hey!
तो वो मेरे बेटे को फिर से मार रहा है। यहाँ क्यों आई हो? चलो पीछे हट जाओ। मेरे साथ रहो वरना मर जाओगी। क्यों बुलाया इसे? जाओ से मारो। ये सब मुन्नू। डरो मत, मैं हूं ना यहां। किससे डर रही हो? ए! आलिया, आलिया सुनो। छोड़ना मत उस लड़की को। जानता है तेरी वजह से कितना लॉस हुआ है अपन का? इधर से मेन रोड इस तरफ। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। रुक जा, रुक जा, बचा लो। रुक जा, हटाओ। अरे उठ, नाटक करना बंद कर। नहीं कर रहा, नाटक तो तुम कर रहे हो। मैंने क्या नाटक किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानती? मेरी असलियत? मुझसे और झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम मुन्ना हो। क्या तुम मुन्नी हो? मुझे ढूंढते हुए तुम मुझ तक पहुँच ही गए। पहले अपने प्यार का झांसा दिया और जो मुझे सच में प्यार करते है उन्हें मार रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब नहीं करती, असलियत जानने के बाद बिल्कुल नहीं। कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तुम असलियत नहीं जानती, ये आदमी तुम्हें मारने आया था। कहानियां मत सुनाओ, पता नहीं बचपन से कितने झूठ बोल चुके हो। मेरा बचपन बर्बाद कर दिया, मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, मेरी माँ ने अकेले कितनी तकलीफें सही। पर अब बस, इनफ इज इनफ। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आलिया सुनो तो। आलिया बताओ, वो मर चुकी है? फिर बच गई पापा, एक आदमी दीवार बन के खड़ा है। कौन है वो? तुम्हें जानता तक नहीं था तब भी तुम्हारी मदद की, अब तो तुम मुन्नी हो ये जान गया हूं। जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा।
चैनल्स में दिखाए गए फुटेज के बाद अपोजिशन के भारी विरोध के चलते मिनिस्टर दिलेश्वर राव ने स्पीकर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। जिसे मेरी बात तो सुनिए पापा, कथा कहीं का किसी काम का नहीं है। एक पिट्टी सी लड़की को नहीं मार पाए तुम। फोन पर ये बातें नहीं करते, फोन पे ऐसी बातें नहीं कर सकते। किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, पूरे देश ने तमाशा देखा। पापा वो बात नहीं है। बात नहीं है, तुम मेरी गद्दी को संभाल लोगे ये सोच के तुम्हें एमपी बनाकर रिटायरमेंट ले लिया। तुम घर पर ही ठीक हो। अब तुम देखना इस शो को अपने तरीके से चलाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बजरंग तुम आ गए, फिर से मिस कर दिया। खबर मिल गई थी, समझ सकता हूँ मैं। 100 हाथियों को मारना सरल है, लेकिन एक चूहे को मारना कठिन है। लेकिन ये बात मेरे बुढ़े बाप को समझाएगा कौन? खराब किडनी की वजह से 10 बार टॉयलेट जाता है और उस बात का गुस्सा मुझ पर निकालता है। नहीं समझेगा, चिल्लाने को मना किया है। चलो आओ। गुप्ता साहब कुछ कहना चाहते? रुमाल हटा, जल्दी हटा। मुझे छोड़ दो। टॉर्चर की क्वालिटी अप टू द मार्क है ना? छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? दिल में गुस्से का लावा फूट रहा है। मैंने उस वीडियो को टेलीकास्ट नहीं किया। अच्छा? मैंने उस स्टिंग ऑपरेशन का ऑर्डर नहीं दिया था। तिरुपति यूनिट के रिपोर्टर्स ने ये करवाया। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं था। जो तुमने कहा उससे कुछ याद आया? बजरंग, इसने तो 30 करोड़ मांगे थे, लेकिन तुमने कहा 100 करोड़ मांगो। 30 नहीं 100 करोड़ मांग, 50 मेरा 50 तेरा, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसे हमेशा छोटा भाई जैसा प्यार दिया, लेकिन ये गद्दार निकला। ये मेरी पुरानी आदत है, बेवकूफ बन के रहना ताकि ऐसे दुश्मन गलतफहमी में रहे और तुम्हारी जैसी गलती करे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर नहीं। बापू किसमें था मैं जो मुझे मारे? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, मेरे बेटे ने गुनाह किया, उसकी सजा उसे मिल गई। इसके अलावा और एक दुश्मन बाकी है, जाओ ढूंढो उसे। सर, वो लड़की शादी अटेंड करने महबूब नगर जाने वाली है। उड़ा दो उसे। चलो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? चुप। मेरी बात गौर से सुनो, मिनिस्टर दिलेश्वर राव तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे अंकल हैं। ये लो, देखो इसे। मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था और ये काम मुझे दिलेश्वर ने करने को कहा था। उड़ा डाल। थोक दे जल्दी। वारेन, मूव प्लीज। चलो, क्या कर रहे हो? चलो। जब तुम्हारी फैमिली ने सालों पहले तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो फिर तुम्हें मारने की कोशिश करने का क्या लॉजिक? इसका जवाब तो तुम्हारी फैमिली से ही मिलेगा।
जब तक सच पता नहीं चलता संभल कर रहना होगा। तुम बिना किसी स्वार्थ मेरी मदद कर रहे थे और मैंने तुम्हें गलत समझा। I'm sorry। बचपन की आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। चलो मुन्नी। कहानी में ट्विस्ट, विलन के गांव में हीरो हीरोइन की एंट्री। ए, अपनी पकाओ कहानी से हम लोगों को मारने की बजाय सीधा उस विलन को क्यों नहीं मरवा देता? जरूर मरवाऊंगा। एक धासु क्लाइमेक्स सोचने के बाद सांप की वाट लगाऊंगा। हर हॉल में मेरी फिल्म लगेगी। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। भूल गया, स्टोरी कहां तक पहुंची थी? हीरो हीरोइन विलन के गांव आते हैं। लेकिन हीरो आ क्यों नहीं रहे? एक अशांत गांव में शांति लाने के लिए। लेकिन हीरो कहां से लाएगा? शांति की तो शादी हो चुकी है ना। जंगल के शेरों को हमारा हीरो भीगी बिल्ली बना के रख देगा। लास्ट में मेरे डायलॉग बोल के वो ऑस्कर उठा लेगा। भाई लोग, कहानी किस मोड़ तक पहुंची? हीरो हीरोइन गाड़ी में गांव आते हैं। सही बोला। ये लोग कौन है? ए, बाइक रास्ते से हटा। नहीं हटाए तो क्या कर लेगा? मार खाने के बाद हटाएगा। ए, मुझसे पंगा मतलब सीधा यमराज से पंगा। अरे तेरी तो, तू तड़ाक से बात करता है। मुझ पर क्या तेरा दूध का कर्ज है? बिल्कुल है। 10 पेंसिल, 3 ज्योमेट्री बॉक्स और 200 कंचे। 200 कंचे? ओ अबे गधे, ठीक से देख, मैं मुन्ना हूँ। मुन्ना? तो मुन्ना है कि मामूली? उसके लिए एक टेस्ट लूंगा। और वो क्या टेस्ट है? एक ट्रेन मेरे गांव से गुजरते हुए 150 की स्पीड से जाती है, तो मेरे दादा की उम्र क्या होगी? तुम्हारे दादा की उम्र सिंपल, डिंपल कपाड़िया। दादी, जिस दिन उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया, चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हारे पापा को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घर छोड़ने की बात की। रुको, कल चले जाना। पहले मेरी चिता को अग्नि तो दे दो, फिर जो मन में आए करना। ऐसा मत कही। सबको लगा कि वो कुछ दिन बाद दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसने तुम्हारी माँ की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। उस गम में वो दिन रात शराब पीने लगा। तुम्हारे दादा को अपने भाई और अपने बेटों की साजिश का पता चला कि किस तरह वो खानदानी बिजनेस में बेईमानी कर रहे थे। कुछ महीनों बाद तुम्हारी माँ की लिखी चिट्ठी दादा के हाथ लगी। उन्होंने वो पढ़ी। आपने मुझे छोड़ दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। आपकी बेटी को डॉक्टर बनाया। मैंने ये बताने के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ, मुझे कैंसर है। कुछ दिन बाद मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। एक बड़े खानदान का हिस्सा होकर भी अनाथ हो जैसा जीवन गुजारेगी। उसे आपकी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, बस त्योहारों पर आप उसे अपने घर बुला लेना। आपने अगर इतना भी किया तो मैं सुकून से मर पाऊंगी कि मेरी बेटी का भी एक परिवार है। ये मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश है। मुझे यकीन है आप इसे पूरा करेंगे। उसी दिन तुम्हारे दादा ने वकील को बुलाकर अपने हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। आज के बाद मेरी पोती एक राजकुमारी की तरह इस घर में रहेगी। सर्वेश्वर, मेरी पोती को लेकर आओ। सो रहे हो क्या? ठीक है। देवर जी, जहां वो लोग थर्मल प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे,
उन्हें पता चला वो जमीन तुम्हारे नाम पर है। खानदानी जायदाद एक छोटे परिवार की लड़की को मिले, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। हे, उस अनाथ को ढूंढ निकाल और मार दे, और ख्याल रहे इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनसे कह दो जहाँ वो चाहेंगे मैं साइन कर दूंगी। पर यही तुम्हारी माँ और दादा की आखिरी इच्छा थी। दादा तुम्हें एक राजकुमारी और माँ उस परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी। आलिया, उस पिता के पास नहीं जाना जो सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे जी रहे। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, उन्हें गले लगा कर रोना चाहती हूँ, लेकिन बस कुछ मत कहना। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाऊंगा और उस घर में भी ले जाऊंगा। इतना ही नहीं, तुम्हें उस घर में राजकुमारी का दर्जा दिलाऊंगा। ये जानते हुए भी कि वो हमें मारना चाहते हैं, उस घर में कैसे जाओगे? ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें घर से निकलवाने वाला मैं ही था और ले जाने वाला भी मैं ही हूँ। क्या कहा? उस घर में घुसेगा? वहाँ के लोगों का गुस्सा 100 डिग्री से शुरू होता है। ये मजाल! एक गरीब आदमी को कार्ड देने के बाद इस घर में आने की हिम्मत कैसे की? शादी का पहला कार्ड धनेश्वर को जाता है, और उसका जो बड़ा बेटा है दिलेश्वर राव, बाप से भी बड़ा शैतान है, और छोटा नवाब है जंगमेश्वर राव, चिंदी से मैटर पर भी मर्डर कर देता है, थाने का जमाई है वो। एक लड़की ने उसकी शादी रुकवा दी तो उसे किडनैप करके सालों से नौकरानी की तरह घर में रखा है। जानता है वो लड़की कौन है? वो छोटी लड़की याद है, राजलक्ष्मी, ये वही है। ओ, उस घमंडी की चुगली करने की आदत गई या नहीं? छोटी बेटी केदारेश्वरी इन सब की नानी है। दिखाई नहीं देता मैं यहाँ बैठी हूँ? सुहाग रात को उसके पति ने मजाक में उसे फुटबॉल कह दिया, फिर क्या था, रोनाल्डो की तरह ऐसी किक पड़ी कि पता ही नहीं चला पति कहाँ चला गया। इस घर में एक से एक नमूने है रे बाबा। एक मिनट, 13 साल पहले जो लड़का घर से भागा था उसकी कोई खबर? पिचेश्वर, वो आज तक गायब है। कल लौट आएगा। ये नो एंट्री में कहाँ घुसा चला आ रहा है? कोई खाना लगाएगा? खाना मांगने वाले का नाम? आज 13 साल बाद आपका पोता घर लौटा है, उससे सवाल करेंगे? तू बैठे बैठे ऑर्डर किसको दे रहा है? तू है कौन? पिचेश्वर। पिचेश्वर होने की क्या गारंटी है? आप जंगमेश्वर चाचा हैं, उसकी क्या गारंटी है? चुप रहो, देखो इसकी कमर के नीचे तिल है या नहीं। 13 साल के बाद लौटा हूँ, टूटे दिल के बजाय तिल की पड़ी है आपको। मैं जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त, एक सेकंड में नहीं रुकूंगा। क्यों आया था मैं यहाँ? अरे अरे रे रे, मेरे प्यारे पोते रुक जाना। सुनिए जी, इसमें सारी आप वाली हरकतें हैं। हे, इधर आ। इतने सालों तक कहाँ था? नागपुर में था। नागपुर में क्या कर रहा था? शुगर फैक्ट्री में शुगर की टेस्टिंग करता था। बेटा यहाँ? अब बेटा याद आ रहा है। ये बताओ मम्मी कहाँ है? बेटा वो मर चुकी है, ये फ्रेश माँ है। हाँ? मेरी उम्र की लड़की से शादी की, अब मेरा क्या होगा? शांत हो जा, बाप हूँ तेरा। ए, बड़ों को रिस्पेक्ट देना सीख। रिस्पेक्ट लेनी है तो देना सीखो। इस घर में एक बुड्ढा और था, वो कहाँ है? निकल लिए। और वो दिल्ली चाचा, वो भी टपक गए क्या? ए, बड़ा भाई मिनिस्टर बन चुका है। ऐसा चीटर मिनिस्टर नहीं बनेगा तो क्या स्कूल मास्टर बनेगा? शांत, जाके खाना खा ले। छोटे मालिक, भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ मुंह धो लो। तू एक्स्ट्रा मस्का क्यों मार रहा है बे? मैं इस घर का सेवक हूँ मालिक, यहाँ काम मिला, ये मेरे पिछले जन्मों का पुण्य है। ज्यादा विनम्रता मतलब जहरीला इंसान। बिना विनम्रता इंसान पशु समान है। मुझसे मुंह लगने के बजाय हाथ मुंह धो लीजिए ना। अरे देखो मेरे वो आ गए। ये कौन है? मैडम के पति, इस घर के घर जमाई। बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों चेंज हो गया? अरे ऐसा मत कहो, ये ज्ञान मूर्ति ध्यान मूर्ति है। कहीं इनका नाम गुरु मूर्ति तो सही नहीं? पकड़े हैं, लेकिन मैडम इन्हें सेमी स्वामी जी कहती हैं। सेमी स्वामी? अरे स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए। उठो बालक, उठो। अरे बेटी, ये बालक कौन है? बचपन में घर छोड़कर भाग गया था वो पिचेश्वर। चेहरा दिखाओ। अरे आशीर्वाद ले ले। परम ज्ञानी से बात करना मोक्ष मिलने के समान। और क्या बात, ज्यादा से ज्यादा समय ये आश्रम में ही बिताते हैं, भक्ति में ही इनकी शक्ति है। शाम होते ही ये पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाते हैं और तपस्या करके ही सुबह घर आते हैं। yes!
सुबह हो या शाम बस भजन और कीर्तन से ही मिलता है इनको आराम। मुझे भूल जाते हैं लेकिन आरती करना नहीं भूलते। आरती आरती। जब भी ये पूजा आरती और आराधना करके आते हैं इनके चेहरे का तेज ही कुछ और होता है। आप सब एक मिनट के लिए अंदर जाइए, मुझे इससे कुछ ज्ञान की बात करनी है। जैसा आप कहें गुरुजी। ठीक है, ठीक है। आओ। बेटा, जरा एक क्षण के लिए अपनी सूरत यहाँ घुमाओ तो। आशीर्वाद दीजिए। अबे तू? अच्छा पहचान लिया? तू तो पिचेश्वर नहीं है। नहीं हूँ। सब लोग यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ, मुझे कुछ बताना है। आप भी आइए, कुछ पोल खोलिए। क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? मेरा पोल कैसे खोल लेगा? मेरी पोल खुली तो तेरी भी लंगोटी छूटेगी। तेरे पास कौन सा सीक्रेट है? वो ए ग्रेड सीक्रेट बताएगा, मैं तेरा सीक्रेट सीक्रेट बताऊंगा। तुझ पे भरोसा कौन करेगा? डांस बार वाले सीसीटीवी फुटेज एक साल तक रखते हैं। आ गए सभी लोग, आ गए। इतने प्रतिभाशाली बालक को देख के कविता याद आ गई। घर का प्यारा पंछी। क्या कहा? घर का प्यारा पंछी। घर का प्यारा पंछी, चाहे नॉर्थ जाए या नॉर्थ ईस्ट जाए, लौट के बुद्धू घोंसले में ही आए। वाह 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 वाह। अपने अपने कमरों में जाइए। ठीक है जी। ये थर्ड क्लास कविता सुनाने के लिए बुलाया था? इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिलती है। तेरी तो कहाँ गया? कहाँ जा रहा है नकली पिचेश्वर? अरे बाथरूम जाना है। लाइफ में मैंने तुझ जैसे बहुत फ्रॉड देखे हैं, मैं तुझे सीधा करके रहूंगा। तेरा प्रवचन मतलब भिखारी का इंडियन इकोनॉमी पर लेक्चर है। माफ करना छोटे मालिक, ये गेस्ट बाथरूम है। आपके कमरे में भी बाथरूम है? आपके बचपन का कमरा जैसा था वैसा ही रखा है। हाँ ठीक है, चल कमरा दिखा। आपको नहीं पता आपका कमरा कहाँ है? मुझसे सवाल करेगा? गलती हो गई छोटे मालिक। झोल के बारे में कुछ पता है? झोल वोल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, माँ कसम। हाँ, सलमान भाई के बारे में थोड़ा बहुत पता है। सलमान के भाई का नाम बता। सलमान का भाई भी है? इस बेईमान के साथ मेरी बातें सुनी तूने? मालिक, खबरदार जो इन्हें बेईमान कहा। इतना सम्मान? बेईमान के साथ फ्रॉड और बदमाश भी जोड़िए। एक बार नहीं, 100 बार कहूंगा यू फ्रॉड। बहुत डीप रिसर्च किया इसके बारे में। एक्स्ट्रा डीप रिसर्च। इस लोफर के बारे में दो राज बताता हूँ। हाँ, उगल पहला राज ये पाखंडी, दूसरा राज ये पाखंडी ही मेरे पापा है। क्या कहा? तुम्हें इनके वीक का शेड्यूल बताता हूँ। मंडे को अर्चना, ट्यूजडे को पूजा, वेंसडे को तपस्या करते हैं, बाकी दिनों में आरती करने जाते हैं। यस, मैं उसी आरती का बेटा हूँ। वो तो मेरी मम्मी ने राज बता के मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ स्वामियों ने कर्नाटक करके पूरी फैमिली को उल्लू बनाते हैं। तुम घर वालों को सच क्यों नहीं बताते? अरे बताने से भी क्या होगा, मेरे साथ इनको भी लात मार के गेट आउट कर देंगे। Then this old man keep pissing and I becoming assistant. उसके बजाय यहाँ रुक के इस फैमिली का असिस्टेंट बनूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तेरी कोशिश को मैं साकार करूंगा, पर मेरी मदद करनी होगी। अब आना मतलब की बात पे, क्या मदद करनी है? टेल मी। फूफा तुम निकलो। वाह, अब तक मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल रहे थे, अब अपने मतलब की बात आ रही तो भगा रहे हो? जा रहा हूँ। जी सर, कहिए सर। अवतार, स्टिंग ऑपरेशन करने वाले की डिटेल्स हैं क्या तुम्हारे पास? उसे टीवी पर दिखा के नेशनल हीरो बनाना चाहता हूँ। है ना सर, मेरे पास उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी निकाल कर देखता हूँ। मिल गया सर। तुरंत उसकी डिटेल्स फॉरवर्ड करो। ठीक है सर। लेकिन सर, ये वीडियो हमारी चैनल को छोड़कर बाकी सारी चैनल पर रन हुआ है। मुझे तो ये भी पता है सर कि आपने उस दिलेश्वर राव के साथ करोड़ों रुपए में सीक्रेट डील की है। ये कोई अफवाह नहीं है, मेरे पास प्रूफ है सर। छी छी, वो दिलेश्वर राव महाचोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है। उस गंदी नाली के कीड़े के साथ आपने कैसे हाथ मिला लिया सर? शुक्र मनाइए, ये खबर मैंने अभी किसी और को नहीं बताई। उस दिलेश्वर को भूल जाओ और उस लड़के की डिटेल्स फैक्स करो। नहीं कर सकता सर, आप मेरे टेस्ट में फेल हो गए सर। मैंने तो बस अंधेरे में तीर छोड़ा था कि आपकी उस भ्रष्ट नेता के साथ कोई सीक्रेट डील हुई है। मैं जानना चाहता था आप क्या कहते हैं, लेकिन ये सब सुनकर ना आपने गुस्सा किया ना इनकार किया। तब से आप बस एक ही बात रटे जा रहे हैं, मुझे वीडियो लाने वाले की डिटेल्स दो। इसका मतलब है आपका और उस भ्रष्ट नेता का कनेक्शन है। मुझे तो यकीन है वो गंदी नाली का कीड़ा आपके आसपास ही खड़ा है। मैं एप्लीकेशन फाड़ रहा हूँ सर। ओए सुन मम्मी, अगर फैक्स नहीं भेजा तेरा घर जला दूंगा, तुझे कुत्ते की मौत मार के उसका लाइव टेलीकास्ट करूंगा। अरे ओ बदमाश, तेरे यहाँ आने तक मैं क्या रुकूंगा? किसी हिल स्टेशन पर पहुँच जाऊंगा, तब तक मेरा राजा आ जाएगा, फिर तू उससे मुकाबला करना। कुत्ते की तरह मारना किसे कहते हैं वो तुझे समझाएगा। चुप कर। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो।
कौन है ये लड़की? जानना चाहते हैं? वेंकटपुरम गया था, मंदिर में किसी गधे से फेरे लेने वाली थी, इसका थोपड़ा देखा तो इंस्टेंटली दिल आ गया इस पे, मेरे को भाव नहीं दे रही थी तो क्या, इसको जबरदस्ती मंडप से उठा कर ले आया। किसी भी अरे गरे को इस घर में लाएगा? तूने भी तो यही किया था। अपनी बराबरी मुझसे करेगा तू? क्यों ना करूं? वो सब छोड़, तू इससे शादी करने वाला है? चीची, शादी की बात किसने की? कुछ दिन मौज करूंगा फिर बाहर फेंक दूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। शाबाश, तू तो मेरा सच्चा पोता है। ये तो वही लड़की है। पब में देखा होगा, किसी मंदिर में देखा होगा, है ना? ये मेरा प्रवचन सुनने आती थी। अबे चुप। आपका ही खून है, इसको सबक सिखाने के लिए शादी के मंडप से उठा लाया। अगर इसे जबरदस्ती उठा लाए हैं, तो ये बताइए कि ये रो क्यों नहीं रही है? तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? अब खुश? हाँ, इसे अंदर ले जा। आइए मैडम। मुझे अपने पापा से मिलना है। अभी जाओगी तो इन लोगों को शक होगा, कुछ देर रुक जाओ। ओके, कम से कम संध्या मैम से बात कर लूं, मेरे फ्रेंड्स परेशान हो रहे होंगे। हेलो। हेलो संध्या मैम। आलिया, कहाँ हो तुम? कहाँ लेके गया वो तुम्हें? पिच्छेश्वरपुरम लेकर आया है तिरुपति के पास, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। और यहाँ छुप कर किससे बातें कर रही है? अब वो कभी घर नहीं लौटेगी। चल अंदर जा। उस सिरफिरे ने आलिया को किडनैप कर लिया, तुम्हें एक मर्द की तरह उसे बचाना होगा। वो एक बच्चा है, मेरी मार से कहीं मर न जाए। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। आज ही मैरिज हॉल बुक करवा लो, शादी का खर्चा तुम्हारा हनीमून मैं स्पॉन्सर करूंगा। कल तक उसका नाम राशन कार्ड से कट चुका होगा, कोई भी न्यूज चैनल देख लेना, सब जगह यही ब्रेकिंग न्यूज होगी। इसे तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है मैंने। आलिया ने उस फ्रॉड पर भरोसा किया, दोनों मिलकर उसे बचा लाएंगे। एक गाड़ी में चलेंगे तो पेट्रोल की बचत होगी। हाँ। बाहर निकाल, जल्दी बाहर आ, तुम्हारे विधानसभा जितने बड़े घर से डरने वाला नहीं हूँ। हिम्मत है तो मुझसे सामना कर, बाहर आ। उस सड़क छाप गुंडे को मेरे हवाले कर। अभी ये कौन है? कॉमेडियंस की कमी थी जो ये आ गया। क्यों बे चिरकुट, इस अबला को किडनैप किया? रुक, अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये जोकर कौन है? लड़की का बाप है और वो दूसरा इसका मंगेतर है, इनके सामने से तो इसे उठा लाया था। मेरी होने वाली बीवी को किडनैप किया इसने। इंस्पेक्टर, गो एंड अरेस्ट दैट फेलो, ब्रिंग दैट क्यूट गर्ल टू मी। थोड़ी देर चुप रहेंगे सर। सर, कंप्लेंट है कि इस गुंडे ने इस लड़की का किडनैप किया है। क्यों मैडम, क्या ये सच है? अगर तूने उस इंस्पेक्टर से सच कहा तो तेरे बाप और होने वाले पति को यहीं जिंदा काट दूंगा। ये झूठ है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। हेलो हेलो हेलो, कान में फुसफुसाया, वो बेबी डरी हुई है। मुझसे पंगा मत ले, पूरे स्टेट में मेरे नाम का टेरर है। यहाँ का सीएम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ के गवर्नर के साथ बचपन में मैं कंचे खेलता था और पीएम मेरा क्लासमेट था। अरे रे, देखो इसके मासूम मुखड़े को, इसे किडनैप करने का सोचा भी कैसे? गुंडागर्दी करता है, मैं हूँ ना। हम चलते हैं सर, गाड़ी स्टार्ट कर। तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। रुक जा, इस टिंगो को उठाकर अंदर ले आओ, बड़ा सीएम से लेकर पीएम तक का रिश्ता बता रहा था, अच्छे से खातिरदारी करो इसकी। बाथरूम? बाथरूम करके आया हूँ, नहा के भी आया हूँ। आई एम सॉरी, अगर उसे चुप नहीं कराता तो हमारा मिशन यहीं खत्म हो जाता। मैं अभी डॉक्टर विश्रांत को फोन करके सच्चाई बता देता। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? देखो, वो तुम्हारा होने वाला पति है, उसे तुम्हारी फिक्र है। मैं उसकी जगह होता तो मुझे भी फिक्र होती। रुको, मेरी बात सुनने के बाद फोन कर लेना।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो उसे फोन कर लो। अब मैं क्या कहूँ, वो कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम पास हो इतना ही काफी है। हेलो संध्या। वीरा तुमने फोन नहीं किया? मैंने सबकी अच्छी खासी धुलाई कर दी है। डोंट वरी, आलिया को लाए बिना नहीं लौटूंगा, और लौटने के बाद बिना वक्त गवाए तुमसे शादी कर लूंगा। ये मैटर मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए, कहो तो पुलिस कमिश्नर से बात करूं। बिल्कुल नहीं। ओके। आई, उसका नाम मुन्ना है, आलिया मैडम के बचपन का दोस्त है। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, अपनी माँ की कसम सच कह रहा हूँ। ए, चलो निकलो यहाँ से। थैंक यू सर। चलो पापा से मिलते हैं। कितने दिनों बाद आए हैं? पापा कहाँ हैं? पीछे वाले बाग में हैं। साले साहब आज कैसे आना हुआ? जरा पिच्चेश्वर को बुलाना। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। कैसे इंसान हो, एक शर्त के लिए कोई घर छोड़ देता है? अपने हर वचन को निभाने जाओगे तो दुनिया नोच डालेगी। जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूं, कुछ कहेंगे नहीं? सब लोग जाओ। तेरा नाम दिल्लेश्वर इसलिए रखा कि दिल्ली पर राज करे, इसलिए नहीं कि पावर खोकर घर पर बैठ जाए। ठीक है, मिनिस्टर की पोस्ट गई, पब्लिक की सिंपैथी नहीं जानी चाहिए। आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा, आपकी इज्जत नहीं जाने दूंगा। सर सर सर, ओए मिनिस्टर, यहाँ इस तरफ देखिए। आपके लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया, और तो और मैं उसे छुड़ाने आया तो मुझे भी बाथरूम में बंद कर दिया। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बाहर निकालें, आपका फैन हूं सर। ओए जाके देखो उस लड़के ने किसी को किडनैप कर लिया क्या। ए पिक्चर सर, तुम्हें किडनैप करके लाया है ना? तुम कंफर्म हो इसी को बुला रहे? बाहर चल। गो साहब, बुला रहे गो। अब क्या होगा वेंकट भैया, आप कहाँ चले गए? ये वो लड़की नहीं है, अंदर चलो, अंदर चलो। आउ कोने में। ये रही वो लड़की। कौन लेके आया इसे? जंगम चाचा। क्यों लेके आया? जंगम चाचा की शादी होने वाली थी, ये वहां पहुंच गई और उनकी बुराई करने लगी, शादी कैंसिल करवा दी। फिर क्या, मामा को गुस्सा आ गया, सीधा इसे उठाकर यहाँ ले आए। जा जा। घर के अंदर या बाहर? अच्छा ठीक है, अंदर जाती हूँ। बाथरूम वाले को लेके आ। सर थैंक यू सर, चलता हूँ सर। सर सर एक रिक्वेस्ट है सर, आपके साथ एक फोटो लूँ सर, सफेद दाढ़ी फोटो ले सर। दिस इज बेटर सर, खींच, चेहरे पे स्माइल लाइए ना सर। ऐसी लड़की से क्या वो शादी करता? जाओ।
मुझे मारा क्यों? ओए इधर आ। ये पीछे क्या देख रहा है बे? जाओ। इसी तरफ से ना? हाँ। Back to bathroom। नमस्ते भाई। आप कब आए भैया? मुझे ये बताओ ये मुन्नी के बचपन का दोस्त कौन है? अरे हाँ, वो कोंडर प्रसाद का बेटा मुन्ना, उसी की वजह से पिचेश्वर को गांव छोड़कर चला गया था। हाँ ये सच है, मैं प्रसाद का खेत संभालता हूँ, लेकिन ना ही वो अपना हिस्सा लेने आए और ना ही मुझे उनके बारे में कुछ पता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आखिर मुझे इस गांव में रहना है। एक बार प्रसाद ने मुझे फोन किया था और अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दिया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता भैया। यहाँ कोंडल राव रहता है क्या? वो अब यहाँ नहीं रहता, वो गांव छोड़ के चला गया। बैंक जाके उसका एड्रेस निकलवाओ। बैंक के पास तो उसका पुराना एड्रेस है, अब क्या करेंगे? कहाँ जाएगा बच के, ढूंढ निकालो उसे। एक एक गांव छान मारो, हमें पब्लिक की सिंपति हासिल करनी होगी, साथ में उसे ढूंढ निकालो। इस फोटो को छूने की इजाजत किसी को नहीं, पूरे घर में कोई इस लायक ही नहीं है कि इसे छू सके। सॉरी बेटा, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जिंदगी। hey, बाहर आ। वहां जाने की हिम्मत कैसे की तूने? क्यों गई उस कमरे में, जवाब क्यों नहीं देती? उसे मैंने कमरा साफ करने भेजा था। ए, क्या कहा दादा ने, जाके अपना काम कर। कोई भी उस कमरे में कदम नहीं रखेगा। छोटू लाल। बोलो भैया। इन लोगों की बीमारी तो मैं समझ गया, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, आपको शौचालय में कैसे रख सकते हैं, मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। क्या तुम मुझे जानते हो? एक नंबर के गधे हो। जितनी औकात है उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा लोग सोचते हैं, आपको यहाँ से निकालने के लिए दिमाग में एक उपाय सूझ रहा है, सुना दो गुरुजी। मिलियन डॉलर प्लान है गुरुजी, आज शाम को सब लोग बाहर जाएंगे, ठीक है? हाँ। कपड़े पहन के रेडी रहना, बाहर से दरवाजे की कुंडी खोल दूंगा, दो बार दरवाजा खटखटाऊंगा, जापान की बुलेट ट्रेन की तरह भागते हुए रफूचक करो जाना। और उस बेबी का क्या? अबे तेरी हेल्प कर रहा हूँ ना, खुश रहे। वो कन्या घर के मुख्य द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी, खुश ना गुरुजी। ओके ओके। क्या बे ओके ओके, तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इजाजत दीजिए गुरुजी। This is what we waited for, the showdown, the fastest man in the world. Usain Bolt will take the gold, will take the title. The world won't have to be the final. मर गया। रिवर्स गियर। बेड़ा गर्क। सुन बे सफेद कोट, अगर कोई गलत बीमारी बताकर फर्जी बिल बनाने की कोशिश भी की तो मैं खुद उठकर तेरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। दादाजी। एक डॉक्टर की हैसियत से कह रहा हूँ भाई, धारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। मारा नाकाम ऑपरेशन में मरा मुर्दा की कसम, सारी दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं। बाबा बंगाल की दवाइयाँ देना बंद कर और मारी दवाइयाँ खाना शुरू कर दे आज से ही। इन सारा लोग लुगाया के सामने मैं वादा करता हूँ, थारी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, और जो दवा नहीं खाए।
तो 3 दिन में ऊपर पहुंच जाएगा। इधर आ। ना बगैर ना। आज से नर्स थारा सब कुछ देखेगी। ठीक से लगाना। हाथ क्यों कांप रहे हैं? इंजेक्शन लगाना आता है ना? ए, तुम भी एक नर्स हो ना? इधर आओ, पकड़ो इसे, इंजेक्शन दे उसे। हो गया क्या? पता ही नहीं चला। आज से तू ही इनकी देखभाल करेगी, समझ गई? बड़े भैया, मामला सेट है। hey, उस बाथरूम वाले बंदर को बुलाओ। दादाजी, डॉक्टर ने क्या बोला था? गुस्सा करेंगे तो 3 महीने में पैकअप। अच्छा, करेक्ट है। hey, उस बाथरूम वाले आदमी को बुलाओ। मेरी याद आई किसी को। सर, दैट बॉय इज चीटिंग सर। आई वॉज रनिंग सर, यू आर वॉकिंग सर। बैड टाइमिंग सर। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। अबे रुक, दादाजी। इसको छोड़ दो, मेहमान को खूब खिलाओ पिलाओ। कैसी खातिरदारी करने वाले हैं? उसके कान में क्या फुसफुस आया? कुछ खास नहीं, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। तुम उसके काम आ सकते हो। किडनीज फेल है? और क्या, मेरी किडनीज चाहिए? या तो बॉडी के बाकी पार्ट्स क्यों छोड़ दिए? वो भी तो निकाल लो, फ्री है। आइडिया अच्छा है, बुढ़िया की आंखें खराब है और इनके एक बेटे का लिवर भी खराब है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो भाई। हाँ, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पूछ के आता हूँ। पूछ लो, कुछ मत छोड़ना। सारे खानदान को मेरे ही बॉडी पार्ट्स डोनेट करवाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। घर पे कुंडली मार के बैठ गई है नागिन कहीं की। अब ये कौन है? खाना लगाओ। ऐसे मुंह बनाकर बैठे जैसे एलियन देख लिया। अरे ओ बूढ़ा, तू अब तक टपका नहीं? तेरी फोटो के लिए माला लाया था, लॉस हो गया। 5.25 रुपया पानी में ले, पहन ले। फूलों से मेरा स्वागत करने की बजाय मुझे झापड़ मारा। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे झापड़ मारा। ये क्या, ये कपड़े क्यों उतार रहा है? सबके सब जाहिल हैं, कोई प्यार नहीं करता। सोचा था यहाँ आके बिरयानी खाऊंगा, लेकिन खाया क्या, झापड़। ये तो मेरी बेटी की तरह स्ट्रिप्टीज कर रहा है। संगत का असर है, मेरे पोते की सारी आदतें आ गई इसमें। दोबारा चला गया तो कुत्ते की तरह भटकूंगा। कहीं ये ओरिजिनल वाला तो नहीं? कैसे पता लगाऊं? ओरिजिनल हुआ तो इसके कमर पर तिल होगा। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। ए, बेटा घर से भाग जाए तो उसे ढूंढना आपका फर्ज है, पता नहीं है? मैंने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, अब ये कौन है? तुझे क्या लगता है, ये मेरी पत्नी है, गधे। तू कौन है? हेलो 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 हेलो, कौन है तू? जुबान नहीं है क्या? ये बताओ, उसे जानते हो? कौन है वो? तुम्हारी माँ। मेरी माँ? उम्र से तेरी लगती है। अबे चुप। ओके बाय। अपना इंट्रो दे। मेरा इंट्रो चाहिए? उसके लिए तुझे एक कहानी सुननी पड़ेगी। सुना। एक बार एक राजा था, उसकी 1 एकड़ जमीन। राजा के पास खाली 1 एकड़? मिडिल क्लास राजा। ओके कंटिन्यू। एक बार एक राजा। ओके एक सेकंड रुक, ये तेरी ही कहानी है ना? 100% मेरी है। तो इसमें राजा कहाँ से आ गया? ये किसी राज्य का राजा नहीं है, राजा किसान का नाम है। ओह कंटिन्यू। एक दिन हल जोतते हुए उसे एक सोने का हार मिलता है। वो सोचता है कि और सोना मिलेगा, वो जमीन खोदना शुरू करता है। 1 फीट खोदी, कुछ नहीं। 2 फुट खोदा, चूहा भी नहीं। 3 फुट खोदा, सेम स्टोरी। 4 फुट खोदा, नथिंग गेटिंग। रुक जाओ, कितने फीट खोदने पर सोना मिला? 15 फुट पर जैकपॉट लगा। वहाँ पर क्या मिला? उसे एक बैग मिला। और उसके बाद? बैग बैलगाड़ी में रखकर वो चला गया। अबे रुक, इस पूरी स्टोरी में तू कहाँ पर है? बैग में मैं ही था ना। उस बैग में कैसे था? अरे सांस रोक के बैठा था। कोई सांस कैसे रोक सकता है?
बहुत बड़ा ऋषि मुनि। क्या इरादा है? अब बॉक्सर उतारोगे? किस लिए उतारनी है? उतारोगे तो ही तो देख पाऊंगा। क्यों देखना है? कुछ नहीं, बस एक बार ऐसे देखना है। एक पंच मारूंगा ना तो 15 फीट गड्ढे में धस जाएगा। मुझे लगा ऐसे लोग सिर्फ शहरों में ही मिलते हैं। कैसे लोग? तेरे जैसे। मुझे तो लगा था कि मैं वन पीस हूँ। उस तरफ देखती रहो, उस तरफ। गौर से मेरी बात सुनो। तुम्हें किडनैप किया गया था, मैं छुड़ाने आया था। अब वो मेरी किडनीज किडनैप करना चाहते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती, ये कहकर पुलिस के सामने कबाड़ा कर दिया। कल सूरज उगने और इन सरफिरों के उठने से पहले रफू चक्कर हो लेते हैं। लेकिन मैं तो कहना, उस तरफ देखो, यूज़लेस लड़की। आधी रात के ठीक 5 मिनट बाद एक ब्लैक ड्रेस में ब्लैक बिल्ली की तरह बैक डोर पे मिलना। काली ड्रेस में क्यों? सत्यानाश, अंधेरे में काला रंग नहीं दिखता, कभी तो अक्कल लगाओ। आई एम ट्राइंग टू सेव यू यार, अभी तो समझी। ओके ओके, प्लान तो ओके है, पर पकड़े गए तो? अगर हम पकड़े गए तो मगरमच्छ के मुंह में बकरी जैसा हाल होगा। रुको, मगरमच्छ कौन है समझी तुम? नहीं समझी? मैं मगरमच्छ हूँ, आई एम द क्रोकोडाइल, यू नो। ओके ओके, पता नहीं तुमने MBBS कैसे पास कर लिया। स्लो माइंड, कपड़े सुखाओ। वो वीरा भाई मुझसे चालाकी करेगा, उसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। आज रात जंगम चाचा के साथ गेम खेलेंगे। ये लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? चिंटू, तुम्हें मेरा घर का नाम कैसे पता? तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानता हूँ मैं। तुम्हारा काम है चुगली करके लोगों के घर तोड़ना, और घर वालों ने तुम्हें यूज़लेस डोरमैट समझकर पूरी तरह भुला दिया है। अगर तुम अपनी लाइफ संवारना चाहती हो तो मेरी कही बात माननी पड़ेगी। क्या कहती हो? हाँ, चलो। हे, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कौन है वहाँ? ये मुझे जबरदस्ती भगा कर ले जा रहा था। खाली खोपड़ी की कसम, मैं इसे भगा के नहीं ले जा रहा था। तो किसे भगा कर ले जा रहा था? पहले आपस में डिसाइड कर लो कौन धुलाई करेगा, पर कोई एक ही करना है। चाचा, आज इसे मौका दिया। ओके, गुड नाइट सर। क्यों मरवाया? ए, तू भी अंदर जा। ए, रुको, भागने से मना क्यों किया? आप पूछो चाचा। हाँ हाँ, बोल, क्यों नहीं भागी? लगता है आप समझे नहीं, और आप कभी समझेंगे भी नहीं। साफ साफ नहीं कहोगी तो कोई नहीं समझेगा। कोई भी कुंवारी लड़की किसी लड़के की शादी क्यों रुकवाना चाहेगी? क्या पता दिमाग से पैदल होगी। नहीं, वो लड़की उस लड़के से प्यार करती होगी। ये तो लव का मामला है। आप मेरे प्यार को तभी समझेंगे जब लोग मुझे पोपली दादी कहेंगे। छोटू लाल जी भैया, लड़कों को प्यार के पीछे बर्बाद होते कई बार देखा है, लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि लड़की लाइफ बर्बाद कर रही है। क्या बात है, ऐसी लड़की पाने वाला कितना लकी होगा। उसका पति जब शाम को मर्डर करके घर लौटेगा तो उसे एक मसाज देगी, और जेल गया तो बेल पर छुड़ा लाएगी, बेल कैंसिल हुई तो बुलडोजर से जेल तोड़ देगी। इनके प्यार से हमें क्या लेना देना, हम चलते हैं। सारे गांव छान मारे, सिर्फ 4 गांव बाकी हैं। मुझे जानकारी नहीं चाहिए, मुझे उन सब की जान चाहिए। जाओ जी। बिना डरे अपने पापा से मिल लो। अरे आज इतनी जल्दी खाना क्यों ले आए? शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं पीऊंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। ये दारू कलेजे को ठंडक देती है, और वैसे भी जीना कौन चाहता है। घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी आप अकेले क्यों रहते हैं? अरे बहुत बड़ा खानदान है, पर दिल सबका उतना ही छोटा है। पत्नी और बेटी थी, उनको समझ ही नहीं पाया,
और जब तक समझ आया तब तक बहुत दूर जा चुके। लाओ। बहुत हो गया, खाना खा लीजिए। अरे मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं रोकते तो तुम कौन होती? आपकी हो? बेटी, आपकी बेटी की तरह ही समझे। मैं किसी का बाप कहलाने के लायक ही नहीं। ये क्यों सोचते हैं कि आपकी गलती थी? ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी का जाना गलत हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते। जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है। चलो जाओ यहाँ। पापा, पापा। क्या कहा? पापा? आलिया? तुम यहाँ मेरे लिए आई हो? तुमने मेरी बच्ची से मुझे मिलवाया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी बातें मत कीजिए, कहीं भावनाओं में बहकर आप सच ना बता दें, इसीलिए नहीं बताया। आलिया आपकी बेटी है, ये राज कुछ दिन और रखना होगा। मैं समझ गया बेटा। आप खड़े होने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आराम से, आराम से, संभल, धीरे धीरे। देखा, अब बिना किसी सहारे के चल सकता हूँ। कहना पड़ेगा बहुत अच्छी नर्स है। सुनिए जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ, बेझिझक कहो। अगर आप ठीक समझे तो इस नर्स की शादी पिच्चेश्वर से करवा दे, आपका ही फायदा है। उम्र भर आपकी इस घर में सेवा करेगी। पिच्चेश्वर तो कभी भी गुस्से में घर छोड़कर चला जाएगा, शायद ही उसे मना कर जाने से रोक लेगी। हे नंदिनी, आज सालों बाद अच्छी राय दी है। हे हे बदमाश, क्या? हमने कुछ सोचा है, तुम्हारी शादी इस नर्स से करवाना चाहते हैं। इस नर्स से? कभी नहीं। क्यों? ना इसकी जात का पता है ना खानदान का। अरे पागल, गुण जाति से बढ़कर होता है। ये बात दादाजी से कहने को बोलो। कैसे सोच लिया कि एक छोटे परिवार की औरत को बहू बना लूंगा? ये सही है, गुण जाति से बढ़कर है। ठीक है, आप कहते हैं तो शादी कर लूंगा। क्यों बेटी? जैसे आपकी मर्जी। ए, जरा इसके बाप को बुलाओ। सही है, कैसे याद किया? पीछे जाओ और फिर वापस आओ। जाता हूँ। सर, कैसे याद किया? तुम्हारी बेटी की शादी पिच्चेश्वर से करना चाहते हैं। भूल जाओ, नहीं हो सकती। उसने पुलिस के सामने झूठ बोला। ए, उसने मुझे दुख पहुंचाया। एक झूठ पर उसे अपनी बेटी मानना छोड़ दो। ए, इन गधों से बहस करोगे? कोई बहाना बना के यहाँ से निकल। ओ बेटी, मेरी बेटी, उसकी शादी तय कर दी, फिक्स इट, मैं चलता हूँ। सॉरी है, रिक्वेस्ट है, आप सबकी परमिशन हो तो मैं जा सकता हूँ? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है, बेटी की शादी में बाप का मेन काम है, यहीं रुकना होगा। अब जा सकता है? आपके घर या मेरे घर? बाथरूम जा रहा हूँ। हाँ, पंडित को घर बुलवाओ। ठीक है। कुछ ही दिन पहले बेटा घर लौट आया और अब उसकी शादी भी होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हेलो हेलो, किससे पूछ के शादी तय की? हमने तय किया है, हम किससे पूछे? अच्छा, तूने तय की और तेरे कहने पे मैं कर लूंगा? पहले मैं उससे बात करूंगा, अच्छी लगेगी तो ही डिसाइड करूंगा। तेरी इजाजत चाहिए? यस। अच्छा, लड़की कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। ओके। अब इसकी भी परमिशन चाहिए? हमने तो लड़की के बाप से भी परमिशन नहीं मांगी। क्या दीदी, फिर से काट लिया? चलो भागो यहाँ से, जाओ। सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, चले चल। बुड्ढा कह रहा था होने वाली दुल्हन तू है। चला जा मेरे साथ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? इससे बात करनी है इसलिए बाहर ले जा रहा हूँ। अरे इससे क्या बात करनी है, बाप ने हाँ बोला तो बात फाइनल। ऐसा क्या, कौन है इसका बाप? ये है। अच्छा, वो उसके पीछे।
बाप तो बेटी पे बिल्कुल नहीं गया। बाप की शक्ल अपनी माँ पर गई है ना। हाँ। और इसकी शक्ल माँ के बाप। हाँ। इस घर में इतनी पॉपुलेशन आई कहाँ से? वो नमूना है कौन? आप उस आदि मानव को नहीं जानते? नहीं जानता। उसके लिए तो कहानी सुनानी पड़ेगी। चल सुना। एक बार एक राजा था। किसान था? नहीं, इस बार असली राजा था। एक बात पूछूं? हाँ? इस कहानी में वो आदमी है? 100% है। तो कंटिन्यू। एक राजा था। हाँ? उस राजा के 6 बेटे थे। 6 कैसे हो सकते हैं? 7 बेटे रहे होंगे ना। 7 बेटी थी, कार एक्सीडेंट में की मौत हो गई। कहते उस टाइम कारें होती थी। ये एक राजा की कहानी है। ये किसी राज्य का राजा नहीं था, ये दिल से राजा था। दिल का राजा? हर कोई तुम्हारी तरह छोटे दिल वाला नहीं होता। दिल होने से कोई राजा हो जाता है क्या? तू सुना, राजा के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में क्यों? वो तो मर चुका था ना। मरने वाला 7वां बेटा था, हॉस्पिटल में 6ठे बेटे को एडमिट किया। 6ठा बेटा। कंटिन्यू। उस बेचारे को ब्लड की जरूरत थी तो राजा ने पूरा 1 लीटर ब्लड बोतल में डाल दिया। ऑरेंज जूस था जो बोतल में डाला, डायरेक्टली बेटे को क्यों नहीं चढ़ा दिया? राजा का ब्लड नहीं था, 5वें बेटे का ब्लड था। उसे सीधे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? 5वें बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो दूसरे हॉस्पिटल में था। अरे स्टूपिड, एक हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट से ब्लड लेके दूसरे पेशेंट को ब्लड चढ़ा देना, ये क्या लॉजिक हुआ? अरे उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया ना। ब्लड ग्रुप कैसे मैच हुआ? एक ही दिन एक ही जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए ब्लड ग्रुप मैच हो गया। सही बोला ना। ठीक है, उसका खून निकल के इतने बड़े बोतल में भरा, उसके बाद क्या हुआ? बोतल को लेकर राजा रेलवे स्टेशन पर गया। हाँ। ट्रेन आगे बढ़ी। हाँ। वो पीछे पीछे भागा। ट्रेन हाँ। ने स्पीड पकड़ी। हाँ। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। ट्रेन और तेज भागी। वो और तेज भागा। उसने ट्रेन पकड़ी या नहीं? किसी ने चेन खींच ली तो वो हाँ। ट्रेन पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, ट्रेन स्टेशन पहुंची, उसने खून चढ़ाया और बेटा बच गया। चलो भाई। अरे इस पूरी कहानी में ये बूढ़ा कहाँ है? मैंने कहा था ना किसी ने चेन खींची थी, ये वही आदमी है। चेन खींचने की क्या जरूरत थी? हाँ? नहीं भी खींचते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी चेन की बात कर रहे हो? ये कहानी अब मैं और नहीं सुन सकता। मुझसे बात कर रहे हो या खुद से? तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। मुझसे? हाँ। तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? सामने वाली सीट पे बैठ। आ? मैं फेस टू फेस बात करता हूँ। मेरी फूटी किस्मत। चकना, तुम्हारी बेटी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी? क्यों, डाउट है क्या? उसे बाहर ले जाके क्या करोगे? अरे वो तुम्हें क्यों बताऊं, उससे शादी करनी है, इसलिए जानना चाहता हूं उसे। तुम उससे शादी करना चाहते हो? हाँ। उसकी शादी किसी और से करवा। किसी और से क्यों शादी होगी, मैं हूं ना उसका दूल्हा, सिर्फ मैं हूं। तुम हो? हाँ। ले जा, लेके जा उसे, जहां जाना है जा, जैसे मन आए एंजॉय कर। छी, बर्बाद कर दी मेरी लाइफ। हाँ मुझे लड़की पसंद है। अच्छी बात है, तुझे पसंद आ गई। शादी किसी भी हॉल में करना, लेकिन हनीमून स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। हनीमून में तू क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है? दूल्हा मैं हूँ तो हनीमून के बारे में मैं ही सोचूंगा ना। खुद को दूल्हा समझ रहा है तो और क्या? नो फर्दर डिस्कशंस। दुल्हन मुझे बहुत पसंद है और उसके बाप को मैं पसंद हूँ, सो हमारा हनीमून स्विट्जरलैंड में ही होगा, चाहे काले धन से तत्काल टिकट क्यों ना कटवानी पड़े। बाथरूम वाले जोकर की हिम्मत देखी, दोनों को हां कर दिया। लेकर आओ उसे। मेरे पोते के साथ साथ उस लड़के को भी हाँ कह दिया तूने? उसने मुझे मारा सर। जो मारेगा उसे हाँ कह देगा? मना भी नहीं कर सकता। मार तो। अब हाँ ओके है? डबल ओके सर। ये फाइनल समझे? दिस इज फाइनल सर, नो सेमी फाइनल्स, नो क्वार्टर फाइनल्स, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। इसे याद रखना। सब के सब पागल हैं। फूटी किस्मत रे, फूटी किस्मत। स्वामी, दिखने में तो आप सच्चाई और ज्ञान की मूर्त लगते हैं, अपने दुख आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिना दुख का मनुष्य और बिना बैल का खेत एक समान। बापरे बापरे, आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी। वेल सेड स्वामी। नॉट मेंशन, चाइना बॉर्डर पर भी जितनी टेंशन नहीं है उतनी मुझे है। दुख को मिठाई की तरह बांटो तो मीठा लगेगा। जी स्वामी। टाइम वेस्ट न करके डायरेक्ट पॉइंट पर आओ। 20 years back I loved a girl. उसका नाम संध्या। Evening. उसने मेरे सामने शर्त रखी। आजकल खुसुर-बुसुर बहुत बढ़ गई है। इस महान स्वामी के साथ अपने गम शेयर कर रहा था। किसके साथ कर रहे थे? इस सिद्ध पुरुष के साथ। ये बुद्ध पुरुष इस सिद्ध पुरुष के साथ। इस महापुरुष के महान कार्यों को सुनोगे? कौन से कार्य? अरे जब से इसने मेरी लाइफ में एंटर किया, मेरी हालत डूबते हुए टाइटैनिक जैसी हो गई है। मालूम है उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? अपने दिल के गम और दुख तुझसे शेयर करना। नहीं पंडित जी, पंचांग को ठीक से पढ़ो और एक फर्स्ट क्लास मुहूर्त निकालो। रुके ताऊ जी, इस घर में सबसे बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, आपकी शादी की सालगिरह। हाँ दादाजी, चाचा सही कह रहे हैं, शादी बर्थडे के बाद ही होगी। मान जाइए ना, मान जाइए ना। आज मैं बहुत खुश हूँ।
जल्दी घर आना। कोशिश करूंगा। भगवान करे ये शादी होते ही मेरी भी विदाई की रस्म हो जाए। अरे अपने यार की शादी है, बहुत मजा आएगा। लीजिए तेरी मिठाई की ऐसी की तैसी, यहाँ मैं खुद ब्लडी फूल बन चुका हूँ। सॉरी पूजा डाली गा। वाह वाह। अरे अरे रॉन्ग नंबर था। ढोंगी कही के मुझे धोखा दे रहे थे। हाँ सुनो, ये लो पहन लो। सर जी जरा एक ठुमका तो लगा दो। अपनी बर्बादी पे नाचूं? नाच वरना फिर बंद कर दूंगा। ये लीजिए। सुखी रहो बेटी। लाइए पंडित जी, मुझे दीजिए, ये आपके लिए। फोटो क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ। इसे जानते हो? मुझे पता नहीं है, आगे वाली कॉलोनी में देखिए। बच गया। वो वहां रहते। भागो भाई, इसी ने हमें बेवकूफ बनाया था। ये लो खाओ ना। नहीं नहीं। आप बोलिए। पिचेश्वर किस लड़की को लेके आया था? लाया तो था वो, हमारा पिचेश्वर नहीं। मुझे सब पता है। नहीं, 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 मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सब समझ गया। ए! सब लोग यहाँ आओ, सनसनीखेज खबर आई है। तो सुनिए, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो यही है। आदिया, आदिया, ये लोग। सुनिए, लड़का लड़की दोनों को मार दो। ए, सुनो ना उन्होंने क्या कहा, लड़की को मार दो। जाओ। किसी ने मेरी पोती को हाथ भी लगाया तो जान ले लूंगा। अरे पर क्या है ये, लड़की इस घर की वारिस है। ए दिलेश्वर, कैसे मार दें इसे? अब तुम ही बताओ क्या गुनाह किया इस बेचारी ने, सबका प्यार ही तो पाना चाहती थी, जबकि हम उसकी जान लेना चाहते थे और उसका मकसद तो हम सबको बदलना था। देखो बेटा, आखिर किस चीज की कमी है हमें? इज्जत दौलत क्या नहीं है? जो नहीं है तो बस वो है सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी। ये लड़का इसे लेकर आया और हम सबको प्यार का सबक सिखाया। अरे इस लड़के के तो, इस लड़के के पैर धोकर उस पानी को अपने सर पर लगाना चाहिए। ऐसे लड़के को क्यों मारना चाहते हो? हैं? ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है बल्कि इस पूरे परिवार की सोच है। सच कहा, आप मान जाइए। ठीक है, जो आप कहेंगे वो सही होगा, वो हमारी बेटी है। आज मैं बहुत खुश हूं। अच्छा सुनो बेटा, तुम तो जानते हो हर शुभ कार्य से पहले हम सब स्वामी वेंकटेश्वर के दर्शन करने जाते हैं। हम रवाना हो रहे हैं, तुम भी वहां पहुंचो। मैं आ जाऊंगा पापा, रास्ते में मिलता हूं। अपने दादा को माफ कर दो। क्या कहूं तुमसे, ये परिवार हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। हाँ से मेरे परिवार पर मंत्र फेर दिया। ठीक है,
लड़की को जिंदा छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पर, तुम्हें अकेले मेरे पास आना पड़ेगा। ए, पहली बार इस घर में हंसी की आवाज गूंज रही है। अब इन लोगों की मुस्कुराहट कम नहीं होने दूंगा। तू जब और जहां बुलाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहीं और से आदमी बुलाने पड़ेंगे बॉस? जितना चाहो उतना आदमी बुला लो। मेरे एक बुलावे पे तू यहां पे आ गया। तू महान है। मैंने लड़की को जिंदा छोड़ने का वचन दिया था अपने पापा को, अपने परिवार के खातिर। इसलिए दुश्मन के बेस में अटैक करूंगा, बेटी के साथ साथ उसके बाप को भी नरक पहुंचाऊंगा। दौलत की दौलत और बोनस में सिंपथी, अब तो तू फ्री में ही मरेगा, उनके लिए जो तेरे कुछ नहीं लगते। इस दुनिया में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपनी मौत चुनना हमारे हाथ में है। मरना ही है तो मर्द की तरह मरूंगा। मारो इसको। यहाँ इसे मार चुका हूँ, उन्हें खत्म किया या नहीं? सिर्फ उन दोनों को नहीं बे, आज तेरी पूरी फैमिली का अस्तित्व मिटा दूंगा। मेरे सामने तूने मेरे बेटे को मारा, मैंने तेरे पांव पकड़े, फिर भी तू नहीं पिघला। कहते हैं हर कुत्ते के दिन आते हैं, आज मेरा बदला पूरा होगा। ए पंडित, ए! अपनों के खोने का गम क्या होता है आज तुझे महसूस होगा। कौन है ये लोग? मार डालो एक एक को पकड़ पकड़ के। आ जाओ बेटी। डैडी। निकलो निकलो निकलो। चलो चलो। भागो आ गया सुपर हीरो।
दिलेश्वर, जानता है उसकी आंखें क्या कह रही हैं? तेरा चेहरा थूकने के लायक भी नहीं है। एक सांप की तरह अपने सपोलों को मारना चाहा, ये जो कुछ हुआ हमारे पापों की सजा है। हमारे कारण उम्र भर इसके पूरे परिवार को दुख झेलना पड़ा, लेकिन इसने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस लड़के से बहुत कुछ सीखा है मैंने। अगर संभव हो तुम भी जीवन के पथ बदल लो। जो कुछ हुआ वीरा भाई की वजह से हुआ। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये डट कर लड़े, जान पर खेलकर हम सबको बचाया। सच में? एकदम सच। वीरा, I love you. सच तो ये है कि इसके लिए जितने पापड़ बेले इतने में तो अनुष्का पट जाती। मुझे शर्म आती है। I love you. ससुर जी। बोलिए जमाई जी। ये मेरा बेटा है, मैंने सोच लिया मैं इसे गोद लूंगा। क्या बात है बापू, सुधरोगे? लेकिन इतनी जल्दी सुधरोगे ये कभी नहीं सोचा था। बेटे ने उम्र भर कुत्ते की तरह घुमाया, अब जाकर कहीं सुकून से बैठने को मिला है। अरे अरे अरे, बैठिए बैठिए, आराम कीजिए। मेरे दादा की जगह पर किसको बिठा दिया? आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मेरे बेटे ने। अरे भैया, आप इसे नहीं जानते? नहीं जानता, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। ठीक है बताओ। एक बार एक राजा था, उसके 40 बच्चे थे। मुर्गी के बच्चे हैं या कुतिया के बच्चे हैं? इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? इस काम में सेनापति और मिनिस्टर ने उनकी मदद की। सिर्फ सम्मान नहीं, बहादुरी का अवार्ड भी दिया। अरे ये कौन सा अवार्ड है जो बच्चे पैदा करने पे मिलता है? ऐसी बात नहीं है। उन्होंने राजा को 40 बच्चे अडॉप्ट करने में मदद की। बात है, 40 बच्चों के लिए 40 आया रखी गई। 40 बच्चों के लिए 40 आया। आगे एक दिन बच्चे रोने लगे। रोने लगे? उन्हें दूध दिया गया। उन्हें दूध दिया, खिलौने दिए गए। खिलौने दिए? गोद में उठाया गया। गोद में उठाया, वो रोते रहे। चॉकलेट खिलाया। सिर्फ इतना बता दे वो चुप है या नहीं। चुप हुए ना। उधर सायरन बंद हुआ, इधर बच्चे चुप हो गए। अच्छा, बच्चे चुप हो गए। इस कहानी से उस आदमी का क्या कनेक्शन है? जिस आदमी ने सायरन ऑफ किया था ना, वो इसके परदादा थे। सायरन वहाँ बंद हुआ ना, जरा इसे पकड़। पकड़ लिया। अच्छा, बहुत स्टोरीज है ना। एक कैमरा चालू है, ये फैमिली फिल्म है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है ना। अरे आंख प्रदर्शन मत कर। आया फिर तो 40 डायपर भी रहे होंगे। क्या कमर है यार। आइटम सॉन्ग का डांसर समझाए क्या? क्यों बीटा इसे? क्यों बीटा? अरे निकालो यार, शॉर्टकट करो।